हेलो एवरीवन, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, वेलकम बैक विद अ फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज, फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज। आप सभी लोगों को इमेज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जल्द जल्द हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, आप लोगों के डिमांड पे, आप लोगों के जद्दोजहद, आप लोगों की फरमाइश पे, जैसा कि आप लोगों को डिमांड था कि सर हम लोगों को जल्द से जल्द एक फास्ट और एक वन शॉट रिवीजन में कंप्लीट जामिया की तैयारी लास्ट ईयर भी करवाई थी, बिकॉज लास्ट ईयर बच्चे ऑनलाइन मोड में थे और जब वो ऑनलाइन मोड में थे तो उनको जरूरत थी हमें बहुत ही कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को डिलीवर करना। तो बच्चों के डिमांड पे हम लोग फाइनली लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए बच्चों फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज। लेट अस चेक आवाज एंड एवरीथिंग इज ओके और नॉट, सब कुछ परफेक्ट है। तो आपको नटशेल में बता दूं मैं बच्चों, ये फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज एक ऐसा सीरीज है जहां पे वन शॉट में टीचर पानी का ब्रेक लेगा, हल्का सा खाने का ब्रेक लेगा, आप तो जितना चाहे उतना ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है अगर आप बिना ब्रेक के पूरा कंप्लीट साइंस क्लास 8 रिवाइज करना चाहते हैं तो और जामिया में फोड़ के आना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट टीचर जिनका अराउंड 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और हमारे धुरंधर जिनमें आप जान रहे हैं लास्ट ईयर के रैंक्स, इस बार के भी रैंक्स अगर हम दिखाएं इट विल टेक टाइम। इस बार भी रैंक 1 9th एंट्रेंस में, रैंक 3 रैंक टॉप 10 में अराउंड 6-7 बच्चे हैं। इतने शानदार रिजल्ट एमयू में लाने के बाद अब हमारी तैयारी शुरू हो गई है जामिया में रैंक लाने का। लास्ट ईयर के रैंक रैंक 3 रैंक 4 रैंक 9 रैंक 10 के बाद टॉप 10 में 4 कैटेगरी 4 जनरल रैंक के बाद इस बार की तैयारी जामिया में फोड़ना है। इंशाल्लाह शुरुआत करते हैं विद द वेरी फर्स्ट सीरीज। मैं आपको बैक टू बैक बता दूं ये सीरीज 4 पार्ट में है टोटल। आज 7:30 बजे से शुरुआत हो रही है आपकी साइंस की, बीच में ब्रेक मिलेगा। कल सुबह 10 बजे कंप्लीट SST पूरा इरादा बना कर आएंगे कल सुबह 10 बजे और नेट का रिचार्ज कर लेंगे। बीच में नेट रुकना नहीं चाहिए, तो आप चाहो तो 1 GB रिचार्ज, 2 GB रिचार्ज, 3 GB रिचार्ज करवा लेना, ठीक है, क्योंकि बैक टू बैक ये पूरा सीरीज चलेगा। और कल के दिन ही दोपहर के 2:30 बजे फिर हम लोग लेके चलेंगे आपको इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी जामिया के 9th एंट्रेंस के लिए। और नेक्स्ट डे ऑन 7:30 12 तारीख को शाम में आप लोगों का कंप्लीट मैथ्स विद योर एक्सपर्ट एंड वेरी फेमस योर दीवान सर के थ्रू आप मैथ्स का पूरा, आदिल सर आपको SST और इंग्लिश का आपको मुदस्सिर सर कंप्लीट रिवीजन कराएंगे। तो देर नहीं करते हुए जल्दी से आप लोगों को ये वीडियो को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्त आप लोग के यहां पहुंच सके और कंप्लीट रिवीजन करा सके। तो आई वुड लाइक टू कॉल श्वेप सर कि वो आए और अपना जलवा बिखेरे। जी सर, ओके, यस, गुड इवनिंग, यस स्टूडेंट्स, आप लोग तैयार होंगे, अपना पूरा 9th का सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है और अब ये लास्ट मौका है, जो हमने अब तक पढ़ा है उसको हम एक बार तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के अंदर इस सारे सिलेबस को हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे। यानी कि जो 18 चैप्टर्स आपने 9th के अब तक पढ़े हैं उन 18 चैप्टर्स का निचोड़ आपके सामने इस 2.5 से 3 घंटे में आने वाला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सब लोग मौजूद रहेंगे, ऑनलाइन क्लास को नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में आप लोग अपने दूसरे काम करेंगे, क्योंकि ये 2.5-3 घंटे हैं जिसके अंदर आपको पूरा 9th का सिलेबस का रिवीजन मिलने वाला है। यानी कि जो आपने पिछले तकरीबन 6 महीने में 18 चैप्टर्स के अंदर आपने जो पढ़ा है उन 18 चैप्टर्स का निचोड़ आपके सामने आने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मौजूद रहें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सके और जामिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इमेज क्लास के बच्चे जो है वो रिज़ल्ट के ज़रिए क्वालिफाई कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट जो है वो इमेज क्लास का शो हो सके। तो हम स्टार्ट करते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज़ फॉर GMI 9th एंट्रेंस वन शॉट रिवीजन ऑफ कंप्लीट साइंस। यानी कि हम कंप्लीट साइंस जो आपने पढ़ी है उसका रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह। देखिए चैप्टर नंबर वन हमने पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस द क्रॉप एंड हाउ टू स्टोर देम। क्रॉप को किस तरह से फार्मर एक प्रोड्यूस करता है, कहां से वो शुरुआत करता है और कहां तक उसका काम कंप्लीट होता है और किस किस तरह से क्रॉप के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिसको फार्मर फॉलो करके क्रॉप को प्रोड्यूस कर पाता है। तो हमने पढ़ा था इसमें क्रॉप सबसे पहली चीज होती है, क्रॉप क्या होती है। तो सेम काइंड ऑफ जब हम एक ही तरह की चीज को एक ही प्लेस पर एक ही टाइम पर ग्रो करते हैं लार्ज स्केल पर उसको हम बोलते हैं क्रॉप। तो सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एट अ प्लेस
यानी कि जब एक ही प्लेस पर सेम काइंड के प्लान लार्ज स्केल पर छोटे छोटे स्केल पर अगर आप ग्रो करेंगे तो वो क्रॉप नहीं कहलाएगी, क्रॉप है। सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एट अ लार्ज ग्रोन एट अ प्लेस, क्रॉप्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। क्रॉप को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, द वन इज द खरीफ क्रॉप एंड सेकंड इज द रबी क्रॉप। अगर जब हम जनरल ब्रोल्डी अगर क्लासिफिकेशन की बात ना करें तो तकरीबन हमारे पास तीन कैटेगरी हो जाती है जिसके अंदर जैद क्रॉप और ऐड हो जाती है, लेकिन आपसे जनरली और ब्रोल्डी अगर बात की जाए तो हमारे पास दो कैटेगरी होती है, दैट इज द खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप हम जानते हैं, इसको हम रेनी सीजन क्रॉप भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसको हम सोन करते हैं जून जुलाई में और हार्वेस्ट करते हैं अक्टूबर नवंबर के अंदर, तो वो क्रॉप जिसको हम जून जुलाई में हार्वेस्ट करके अक्टूबर नवंबर में सोन करते हैं वो कहलाती है हमारी खरीफ क्रॉप, और इसको रेनी सीजन क्रॉप कहा जाता है या मानसून क्रॉप भी कहा जाता है। ओके, इसमें जैसे आपके सोयाबीन है, राइस, मेज, ग्राउंडनट, कॉटन, मिलेट, ये एग्जांपल्स हैं खरीफ क्रॉप की। सेकंड हमारे पास आती है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप को हम विंटर सीजन क्रॉप भी बोलते हैं बिकॉज इसको हम खरीफ क्रॉप के हार्वेस्टिंग के बाद नवंबर अक्टूबर या नवंबर में इसको सोन करते हैं और मार्च के अंदर इसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। ओके ना, तो ये क्योंकि विंटर सीजन में ये क्रॉप प्रोड्यूस होती है इसलिए इसको हम बोलते हैं विंटर सीजन क्रॉप। अक्टूबर नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं, यानी कि इन क्रॉप्स को हम इस सीजन के अंदर ग्रो करते हैं, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड रबी क्रॉप। और तीसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई थी जो कि ब्रोल्डी क्लासिफिकेशन में नहीं आती लेकिन थर्ड कैटेगरी एग्जिस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड जायद क्रॉप। जायद क्रॉप को हम समर सीजन क्रॉप बोलते हैं या शॉर्ट टर्म क्रॉप बोलते हैं। शॉर्ट टर्म क्रॉप क्योंकि ये दो महीने के अंदर तैयार हो जाती है, समर सीजन क्रॉप क्योंकि मार्च और अप्रैल से शुरू होकर मई और जून में हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो इसको रबी क्रॉप के हार्वेस्टिंग के बाद हम सोन करते हैं जैद क्रॉप को, इसको समर सीजन क्रॉप या शॉर्ट टर्म क्रॉप भी बोलते हैं। ओके ना, शॉर्ट सीजन क्रॉप मार्च से लेकर जून तक, वाटर मिलन, मस्क मिलन, वेजिटेबल फॉडर, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हम जैद क्रॉप के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो ये हमारा काइंड्स ऑफ क्रॉप हो गया। काइंड्स ऑफ क्रॉप के बाद अगर हम देखें तो हमारा अब आता है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी क्रॉप के टाइप के बाद दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर द स्टेप्स विच फार्मर फॉलो टू प्रोड्यूस द क्रॉप, यानी क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए फार्मर जो स्टेप फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आप जानते हैं 7 स्टेप पर डिपेंड करती है, यानी कि 7 स्टेप होती है जिसको 1 by 1 इसी ऑर्डर में फार्मर फॉलो करता है तभी वो क्रॉप को अच्छी तरीके से प्रोड्यूस कर पाता है। तो सबसे पहला है हमारा प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, यानी कि फार्मर जब क्रॉप को ग्रो करना चाहता है या उसको स्टार्टिंग करना चाहता है तो वो सबसे पहले सॉइल को तैयार करता है, ठीक है ना। सॉइल को तैयार करने के हमारे पास 3 स्टेप हैं, मेनली 2 स्टेप है, तीसरा स्टेप इसके अंदर और ऐड हो जाता है। पहला स्टेप है प्लोइंग, यानी कि फार्मर जो है वो हल चलाता है अपनी जमीन के अंदर, प्लोइंग करता है। प्लोइंग का फायदा क्या होता है आप जानते हैं, प्लोइंग से 2 फायदे होते हैं, एक तो सॉइल हमारी एरेटेड हो जाती है, एरेटेड का मतलब यह है उसके अंदर स्पेस क्रिएट हो जाते हैं एयर और वाटर के लिए ताकि एयर और वाटर आसानी से उसके अंदर पेनेट्रेट कर सके। और दूसरा फायदा यह है कि सॉइल अपटर्न हो जाती है, अपटर्न का मतलब यह है कि जो नीचे वाली सॉइल थी जिसके पास न्यूट्रिएंट ज्यादा हैं वो सॉइल ऊपर आ जाती है, और वो सॉइल जो जिसके न्यूट्रिएंट यूज हो चुके हैं लास्ट क्रॉप के अंदर वो सॉइल नीचे चली जाती है। तो अपटर्न से हमारे सॉइल को, हमारे जो हम प्रोड्यूस करने वाले हैं जो प्लांट उसको न्यूट्रिएंट ज्यादा मिलते हैं। तो ये 2 स्टेप हो गए, तीसरा स्टेप भी इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं कभी कभी जब सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, दैट इज कॉल्ड मैन्योरिंग। यानी कि हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के दौरान इसके अंदर मैन्यूर मिक्स करने के बाद में प्लोइंग करते हैं, जिससे क्या होता है मैन्यूर अच्छे से हमारी सॉइल के अंदर जो है वो मिक्स हो जाती है। तो ये 3 स्टेप होते हैं एग्रीकल्चर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर। अब जब हमारी सॉइल तैयार हो गई उसके बाद दूसरा होता है सिलेक्शन ऑफ सोइंग ऑफ सीड्स। अब फार्मर का काम यह है कि वो सीड को सिलेक्ट करेगा, ठीक है, और फिर उसको जमीन के अंदर दबा देगा यानी कि सोन करेगा। तो सोइंग, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। तो सिलेक्शन ऑफ सोइंग सीड्स ऑफ का मतलब ये है कि सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, सीड शुड बी हेल्दी, सीड्स शुड बी क्लीन एंड सीड्स शुड बी ट्रीटेड विद फंजीसाइड। यानी कि 3 चीजें फार्मर को चेक करनी है कि सीड्स आपका हेल्दी होना चाहिए, कोई बीमारी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, सीड जो है वो हमारा क्लीन होना चाहिए यानी कि उसके अंदर कोई जम्स वगैरह ना लगा हो। और तीसरी चीज, उसको फंजीसाइड से हम ट्रीट करते हैं। फंजीसाइड से ट्रीट इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम सीड अपने सीड को मिट्टी के अंदर डालेंगे वहां उसे एयर भी मिलेगा, वाटर भी मिलेगा। एयर और वाटर मिलने के बाद उसके ऊपर फंगस लग सकता है,
फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए फंगस ना लगे इसके लिए हम उसे फंजीसाइड से उसको ट्रीट करते हैं। तो ये हमारा ये सिलेक्शन का तरीका है जिससे हम सीड्स को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब फार्मर क्या करेगा, उसको सोन करेगा। तो सोन करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है ट्रेडिशनल टूल, या सबसे इससे भी पहले अगर हम चलें तो है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में क्या करता है, ब्रॉडकास्टिंग में फार्मर जो है वो अपने हाथ के जरिए सीड को बिखेर देता है सॉइल के अंदर, ठीक है ना। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग बहुत ज्यादा एफिशिएंट मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें सीड्स कुछ सीड करीब हो जाते हैं, कुछ सीड दूर हो जाते हैं, राइट डेप्थ और राइट इंटरवल मेंटेन नहीं हो पाता। दूसरा हमारे पास मेथड है ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल एक्चुअल में पिलो के अंदर एक फनल टाइप की मशीन होती है जो कि लगी होती है, फनल के जरिए फार्मर जो है वो बीज डालता है और वो जमीन के अंदर गड़ जाता है। ये थोड़ा ब्रॉडकास्टिंग से ज्यादा इफेक्टिव मेथड है, लेकिन इसमें गैप मेंटेन नहीं हो पाता। तीसरा मेथड है हमारे पास सीड ड्रिल, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मेथड। यानी कि यहां देख क्या होगा, सीड ड्रिल, आफ्टर सिलेक्शन ऑफ सीड सोइंग इज डन बाय द सीड ड्रिल। ये तीसरा मेथड है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल एक मशीन होती है, ठीक है ना, जो कि ट्रैक्टर के अंदर लगी होती है। उसमें उस सीड ड्रिल का फायदा ये होता है कि वो राइट डेप्थ एंड राइट इंटरवल पर सीड को सोन करती है। राइट डेप्थ और राइट इंटरवल हम जानते हैं क्यों होना चाहिए। राइट डेप्थ इसलिए होनी चाहिए कि अगर सीड हमारा ऊपर हो गया तो उसे बर्ड्स खा जाएंगे, मिट्टी के ऊपर हुआ। मिट्टी के ज्यादा अंदर अगर वो चला गया तो क्या होगा, एयर वाटर उसको कंप्लीट अमाउंट में नहीं मिल पाएंगे, सनलाइट नहीं मिल पाएगी। जब उसके अंदर सील्डिंग प्रोड्यूस होगा तो सील्डिंग ऊपर नहीं आ पाएगा। और राइट डेप्थ इंटरवल पर इसलिए होना चाहिए, गैप इसलिए मेंटेन होना चाहिए क्योंकि उसको दो सीड्स के बीच में कंपटीशन ना बढ़े। सीड जब करीब करीब होते हैं तो उनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है। कंपटीशन बढ़ने की वजह से क्या होता है कि उनको राइट अमाउंट में न्यूट्रिएंट वाटर और सनलाइट नहीं मिल पाते। तो इसीलिए जरूरी है कि सोइंग के दौरान हम राइट डेप्थ और राइट इंटरवल का ख्याल रखें। इसके बाद तीसरा स्टेप जो आता है, दैट इज द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल। रिप्लेनिशमेंट का मतलब है जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी है तो हम उन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करेंगे। रिप्लेनिशमेंट दो तरीके से होता है, एक होता है मैन्योरिंग के जरिए और एक होता है फर्टिलाइजेशन। यानी कि या तो आप मैन्योर उसको प्रोवाइड करेंगे या फर्टिलाइजर प्रोवाइड करेंगे। तो मैन्योर्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द कंपोस्टिंग। मैन्योर क्या होती है, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस खाद होते हैं जिसको हम और कंपोस्टिंग के जरिए प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि जो फार्म वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, ये सारी चीज़ होती है, उनको एक कंपोस्ट पिट के अंदर जमा कर दिया जाता है। वो धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिकम्पोज करके कन्वर्ट कर देते हैं मैन्योर के अंदर, ओके। और दूसरा होता है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, सॉल्ट होते हैं, जो कि फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। इनके अंदर न्यूट्रिएंट हाईली रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके अंदर बहुत कम फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, मैन्योर को हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में डालना होता है, ओके। लेकिन मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या है कि मैन्योर ऑर्गेनिक है, उसके जरिए कोई पॉल्यूशन नहीं होता। फर्टिलाइजर के जरिए पॉल्यूशन होता है, फर्टिलाइजर के जरिए सॉइल पॉल्यूशन भी होता है, फर्टिलाइजर के जरिए वाटर पॉल्यूशन भी होता है। फर्टिलाइजर जब हमारे सॉइल के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं तो सॉइल जो है वो हमारी एसिडिक या बेसिक हो जाती है, जो कि प्लांट्स के लिए नुकसानदेह होती है। और अगर फर्टिलाइजर सॉइल में ज़्यादा हो जाए तो पानी जो बहकर जाता है उसके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, जब वाटर बॉडी से पहुँचते हैं तो वाटर बॉडीज को पॉल्यूट कर देते हैं। तो फर्टिलाइजर डिकम्पोज नहीं होते, ठीक है ना, और जो मैन्यूर होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं। रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल के बाद आते हैं हम इरिगेशन। अब जो आपने सॉइल को रिप्लेनिश कर दिया, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर दिया, आप सिंपल समझिए, आपने खाना खा लिया, सॉइल को आपने न्यूट्रिएंट दे दिया, अब आपको क्या चाहिए, पानी। खाना खाने के बाद अब क्या पीते हैं, पानी पीते हैं। इसी तरह से सॉइल को भी पानी चाहिए, सीड्स को भी पानी चाहिए। तो क्या होगा फिर, इरिगेशन, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट एप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन में आप लोग खास बात याद रखेंगे कि रेन के जरिए जो वाटर प्रोवाइड होता है उसको हम इरिगेशन नहीं बोलते। रेन के अलावा किसी और मेथड से अगर हम सॉइल को वाटर प्रोवाइड करा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन के हमारे पास चार ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, दैट इज मोट, चेन पंप, ढेकली एंड राहत। दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन भी आप समझ लीजिए कि इरिगेशन जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक सीजन पर, एक टाइप ऑफ सॉइल पर। सॉइल किस तरह की है, सैंडी सॉइल है तो हमें बार बार इरिगेशन करना होता है, ठीक है ना। क्लेई सॉइल है तो हम कम इरिगेशन करते हैं। क्लेई सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है और सैंडी सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कम होती है। दूसरा होता है टाइप ऑफ सीजन। सीजन क्यों, समर में हमें ज्यादा पानी देना होता है क्योंकि उस वक्त रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है। विंटर में हम कम पानी देने से भी काम चल जाता है क्योंकि वाटर हमारा इवेपोरेट नहीं होता,
तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड मोट चेन पंप ढेकली एंड राहत। इसके बाद हमारे कुछ मॉडर्न मेथड है, दैट इज स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम आप जानते हैं जो जमीन हमारी, ये वहां पर ज्यादा कारगर साबित होता है जहां वाटर की स्कार्सिटी है, पानी की कमी है, और जमीन जो है वो एक बैलेंस नहीं है बल्कि ऊंची नीची है। तो उसमें हम क्या करते हैं, स्प्रिंकलर लगाते हैं, फुहारे लगाते हैं। फुहारा चारों तरफ पानी फेंकता है, दिन में कई बार उस फुहारे को स्प्रिंकलर को चलाया जाता है जिससे क्रॉप सॉइल को पानी मिल जाता है, यानी कि ऊपर नीचे जो है वो पानी नहीं होता। और दूसरा मेथड है हमारा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम के अंदर भी हम जानते हैं कि ड्रिप सिस्टम जो है वो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, इस बहुत पतले पतले पाइप्स होते हैं जो कि पूरे फील्ड में बिछे होते हैं और रूट्स के पास पाइप के अंदर होल कर दिया जाता है। तो ड्रॉप बाई ड्रॉप पाइप से पानी गिरता है जो कि रूट्स इसको फौरन एब्जॉर्ब करते, वाटर वेस्ट नहीं होता। तो वो इलाके जहां पर, वो एरियाज जहां पर पानी की कमी है, वाटर स्कार्सिटी है, वहां पर हम ड्रिप इरीगेशन मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मेथड। ये हमारा चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। अब हमने यानी कि खाना भी दे दिया उसको, पानी भी दे दिया, अब क्या है कि हमें उसे बीमारियों से और ऐसे एजेंट से बचाना है जो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप में कई चीज़ आती हैं। पहला स्टेप है इसके अंदर वीडिंग। वीड्स आप जानते हैं, वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट दैट प्रोड्यूस विद द क्रॉप, ठीक है ना। वो अनवांटेड प्लांट जो हम ग्रो करना नहीं चाहते लेकिन वो हमारी क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वीड्स। तो वीड्स को हटाने का जो तरीका है, वीड्स का जो रिमूवल है उसको बोलते हैं वीडिंग। वीडिंग इज द रिमूवल ऑफ वीड्स, यानी कि वीड्स को फील्ड से निकालने का जो तरीका है उसको क्या बोलते हैं, वीडिंग। तो वीडिंग हम दो तरीके से करते हैं, एक तो मैनुअली होती है, मैनुअली मतलब हाथ के जरिए, ट्रॉवल के जरिए, खुरपी के जरिए, प्लो के जरिए हम क्या करते हैं, मिट्टी से वीड्स को निकाल देते हैं, उसे बोलते हैं हम मैनुअल वीडिंग। और दूसरा होता है हमारा भाई केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर हम कुछ वीडी साइड्स, ये वो केमिकल्स होते हैं जो वीड्स को किल कर देते हैं लेकिन हमारी क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो वीडी साइड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जिनको स्प्रे किया जाता है फील्ड के अंदर, जिससे वीडी साइड जो है, वीड जो है वो मर जाती हैं, वीड्स खत्म हो जाती हैं। तो वीडिंग प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप में पहली चीज हो गई वीडिंग। दूसरी चीज होती है हमारा यानी कि रोडेंटिसाइड से, इसके अंदर बैक्टेरियासाइड से, के लिए सिंपली कह लीजिए पेस्ट। वीड्स के अलावा दूसरी चीज पेस्ट। पेस्ट वो तमाम ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो रोडेंट भी हो सकते हैं, रेट्स वगैरह, वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इंसेक्ट को किल करने के लिए जो केमिकल हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इंसेक्टिसाइड। बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो केमिकल यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड बैक्टेरियासाइड। लार्वा को किल करने के लिए जो केमिकल यूज करते हैं इसको लार्विसाइड। रोडेंट्स को किल करने के लिए जो केमिकल यूज करते हैं इसको रोडेंटिसाइड्स। तो ये अलग अलग केमिकल होते हैं, जनरली इनका एक नाम है पेस्टिसाइड, ठीक है ना। इसकी बहुत सारी कैटेगरीज है, रोडेंटिसाइड है, बैक्टेरियासाइड है, लार्विसाइड है, जर्मीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है। ये अलग अलग केमिकल्स होते हैं जो इन इंसेक्ट, इन एजेंट्स को किल करते हैं जो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारा पांचवा स्टेप हो गया प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। इस अब हमारे जब हमने क्रॉप को प्रोटेक्ट कर ली, अब क्रॉप हमारी 3 से 4 महीने के अंदर ग्रो हो जाती है। जब क्रॉप ग्रो हो गई, मैच्योर हो गई, अब हम उसको क्या करना है, हम उसे काटना है, कट करना है, गेदर करना है। तो हार्वेस्टिंग क्या है, हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाई मशीन। अब जो आपकी क्रॉप मैच्योर हो चुकी है, जो तैयार हो चुकी है आपकी क्रॉप, उस क्रॉप को हमें कट करना है, गेदर करना है और उसको फील्ड से निकाल लेना है, उसको बोलते हैं हम हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग एक तो मैनुअली होती है, ट्रॉवल के जरिए, खुरपी के जरिए हम हार्वेस्टिंग कर लें, ठीक है ना, काट लें उसे। और दूसरा होता है मशीन के जरिए, तो मशीन इज कॉल्ड हार्वेस्टर। हार्वेस्टर क्या होता है, वो क्रॉप को कट कर लेता है फील्ड से, ये मशीन होती है हार्वेस्टर। हार्वेस्टिंग के बाद हम करते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या है, सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द शेफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। शाफ, चावल के दाने के ऊपर या गेहूं के दाने के ऊपर जो भूसा चढ़ा होता है, जिसका कवर होता है, उसे बोलते हैं शाफ। शाफ को दाने से अलग करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं थ्रेशिंग। इसके लिए भी एक मशीन आती है जिसको कॉल्ड थ्रेशर। और अगर आप मशीन से मैनुअली करना चाहें तो मैनुअली आप क्या करते हैं, इसको सुखाने के बाद क्रॉप को हार्ड सरफेस से स्टोन से हिट करते हैं जिससे दाने अलग हो जाते हैं और भूसा अलग हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मैनुअली भी होती है, हार्ड हिट करके हार्ड सरफेस पर, और थ्रेशर के जरिए भी होती है। दूसरा है हमारा सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड शाफ और हस्क इज कॉल्ड विनोइंग। यानी कि अब जब आप दाना जो है भूसे के अंदर से निकल तो चुका है लेकिन अभी आपस में दोनों चीजें मिक्स हैं, उन दोनों को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं विनोइंग। विनोइंग मैनुअली क्या होती है, ऊपर से खड़े होकर उसे हवा में छोड़ा जाता है, हवा से, क्योंकि हस्क
हल्का होता है तो दूर जाकर गिरता है, दाना भारी होता है ग्रेन तो वो नीचे गिरता है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं। या दूसरे इसकी मशीन भी आती है जिसको हम विनोइंग मशीन बोलते हैं, थ्रेशिंग या विनोइंग, यानी कि थ्रेशर आता है और इसमें विनोइंग मशीन आती है। अब एक मशीन और है लेटेस्ट मशीन बोलते हैं कंबाइन। कंबाइन के अंदर क्या होता है, हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों चीजें मिक्स होती हैं, वो हार्वेस्ट भी करता है और थ्रेशर और थ्रेशिंग भी करता है, दैट इज कॉल्ड कंबाइन। तो कंबाइन वो मशीन होती है जो हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों काम करती है। नेक्स्ट इसके बाद है स्टोरेज। अब आपने आपने ग्रेन को, फील्ड को, अपने जो क्रॉप थी उसको आपने स्टोर कर, उसको आपने गेदर कर लिया, काट लिया। गेदर करने के बाद आपको उसको, क्योंकि पूरे साल चलाना है, अगर आपने खरीफ क्रॉप को हार्वेस्ट किया है तो खरीफ क्रॉप आपको अक्टूबर नवंबर में मिलती है, अगले अक्टूबर नवंबर में आपको दोबारा खरीफ क्रॉप मिलेगी, यानी कि राइस को आपने अक्टूबर नवंबर में अगर हार्वेस्ट कर लिया तो नेक्स्ट अक्टूबर नवंबर में आपको राइस दोबारा हार्वेस्टिंग के लिए अवेलेबल होगा, लेकिन इस एक साल तक आपको उसको चलाना है ताकि आपको राइस जो है वो रेगुलर मिलता रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टोरेज, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन, ग्रेन का प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए ताकि हमारी जो क्रॉप है वो बच सके, किससे, प्रोटेक्ट फ्रॉम द पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम उसे सेफ रख सकें। लार्ज स्केल पर इसको हम करते हैं साइलोज और ग्रेनरीज के अंदर। साइलोज लार्ज बिन्स होते हैं मेटल के, जिनके अंदर ग्रेन को स्टोर किया जाता है, और ग्रेनरीज जो है वो लार्ज गोडाउन होते हैं जिसके अंदर जूट बैग्स के अंदर जो है वो ग्रेन को पैक करके रख दिया जाता है, ठीक है। और स्मॉल स्केल पर भी हम ग्रेन बैग्स में घर में इसको स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा जो वेजिटेबल्स होती हैं, पेरिशेबल आइटम होते हैं जो बहुत दिन तक नहीं चल सकते, ठीक है ना, उसको हम कोल्ड स्टोरेज के अंदर स्टोर करते हैं, कोल्ड स्टोरेज में। ये हो गया हमारा स्टोरेज। नेट फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स। फील्ड के अलावा हमें फूड जो है वो एनिमल से भी मिलता है, ओके, एनिमल से, जैसे शीप से हमें क्या मिलता है, मीट, गोट से क्या मिलता है, मीट एंड मिल्क, हैन से क्या मिलता है हमें, चिकन एंड एग, ठीक है ना। इसी तरीके से अलग अलग एनिमल से हमें अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती है, मिल्क है, एग है, मीट है, ये हमें मिलती हैं। तो इनको, इस चीज़ों को हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स रेयरिंग ऑफ एनिमल, जानवरों को पालना। लार्ज स्केल पर हम जब जानवरों को पालते हैं, एग, मिल्क, मीट, वूल, इन सारी चीज़ों के लिए, तो उसको हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर फिश भी आती हैं जिसको पिसीकल्चर बोलते हैं, हनी बी को भी पाला जाता है जिसको एपीकल्चर बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा फ्लोरिकल्चर, फ्लावरिंग प्लांट्स को, और इस बहुत सारी ब्रांचेस होती है इस तरह की, जिसमें हम फ्लोरिकल्चर भी होता है, पिसीकल्चर भी होता है, और आपके हॉर्टिकल्चर होता है जिसके अंदर हम वेजिटेबल्स और जो हमारे डेकोरेटिव प्लांट होते हैं उनको हम ग्रो करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर वन कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर वन के अंदर, चैप्टर नंबर वन के बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जानते हैं वो तमाम चीज़ें जो बहुत छोटी होती हैं, हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आती, बगैर माइक्रोस्कोप के हम इनको नहीं देख सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे कैन लिव ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर तरह के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है ना। रेंजिंग फ्रॉम द आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स, हर तरह के डेजर्ट में, मार्शी लैंड में, आइस में, ये सब जगह जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये एयर में, वाटर में, सॉइल में, एनिमल और प्लांट बॉडीज में, हमारी बॉडीज के अंदर भी ये पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे चार तरह के होते हैं, पहला होता है बैक्टीरिया, दूसरा होता है एल्गी, तीसरा होता है फंजाई या फंगस, और चौथा होता है प्रोटोजोआ। ये चार तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक पांचवा टाइप इसके अंदर हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड वायरस। वायरस इज नॉट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस इज अ माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग होते हैं, बट वायरस जो है वो लिविंग नहीं है, ठीक है, वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की चीज़ है, लिविंग और नॉन लिविंग की बाउंड्री पर लाई करता है। इसलिए हम चार तरह के हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी एंड प्रोटोजोआ। इसके अंदर जो है बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होता है, एल्गी और फंगी जो है वो मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। तो दे में भी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। वायरस, दो डिफरेंट फ्रॉम द अबव मेंशन लिविंग ऑर्गेनिज्म, आर कंसीडर माइक्रोब्स। वायरस क्योंकि माइक्रोस्कोपिक होता है, छोटा होता है, इसलिए हम उसको माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते। दे प्रोड्यूस ऑन, अब देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए
क्या होना चाहिए? रिप्रोडक्शन होना चाहिए, डाइजेशन होना चाहिए, एजेशन होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, तभी हम उसे लिविंग कहते हैं। वायरस के अंदर लिविंग की कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं पाई जाती, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, कब? जब वो किसी होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाता है, किसी एनिमल सेल के अंदर एंटर कर जाए, प्लांट सेल में एंटर कर जाए, बैक्टीरिया में एंटर कर जाए, जब ये किसी होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाता है वायरस, तब ये रिप्रोड्यूस होना शुरू होता है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक इसकी शो होती है, कब? जब ये किसी लिविंग होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाए। तो दे प्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल सेल। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड अल्कोहल। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, ठीक है ना। अब ये माइक्रो यूजफुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। तो अब हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे काम आते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने में। तो एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई। एंटीबायोटिक हम जानते हैं ये वो मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरियल और फंगल डिसीज को कंट्रोल करने के काम में आती हैं, ठीक है ना। एंटीबायोटिक का नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर आमतौर पर एंटीबायोटिक्स देते हैं। जब हमें कोई बैक्टीरियल या फंगल डिसीज होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, और एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया और फंगस से ही बनती हैं। ओके, फर्स्ट एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी 1929 में। किससे बनाई थी? पेनिसिलिन नाम है उसका, बनी थी पेनिसिलियम से। पेनिसिलियम इज अ फंगस, या इसको मोल्ड भी कहते हैं, मोल्ड का एक टाइप है इसका, मोल्ड। ये मोल्ड भी कह सकते हैं, फंगस भी कह सकते हैं पेनिसिलिन। दूसरा है सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अवर फूड एंड कॉजेज फूड पॉइजनिंग। सॉरी, दूसरा है वैक्सीन। एंटीबायोटिक ये भी एक दवाई है जो कि फंगस और बैक्टीरिया उससे बनती है, बैक्टीरिया से। दूसरा है वैक्सीन। वैक्सीन एक्चुअल में वायरस से बनती है। किससे? डेड और वीक वायरस। होता क्या है कि वैक्सीन जो होती है उसके अंदर कोई दवा नहीं होती, बल्कि डेड या वीक वायरस होता है। वो वायरस जो डेड हो या वो वायरस जो बहुत ज़्यादा वीक हो, तो वीक और डेड वायरस को हमारी बॉडी में एंटर करा दिया जाता है। जैसे वीक और डेड वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है, हमारी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है जो WBC पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो WBC एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं और वो एंटीबॉडीज उस वायरस को किल कर देता है। जब एक पर्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर जनरेट हो जाती है, तो किसी एक बीमारी, जैसे पोलियो की वैक्सीन हमने ली, तो पोलियो के अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। अब हमें पोलियो नहीं होगा क्योंकि हमने पोलियो की वैक्सीन ले ली है। तो वैक्सीन का एक पूरा शेड्यूल है, ठीक है ना। इम्यूनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, वैक्सीनेशन का एक शेड्यूल होता है, जो बच्चे को जब पैदा होता है तब से लेकर 6 साल तक बहुत सारी वैक्सीन उसको लगती हैं। फर्स्ट वैक्सीन जो है वो एडवर्ड जेनर ने बनाई थी 1798 में स्मॉल पॉक्स की। सबसे पहली वैक्सीन 1798 में बनी थी, सबसे पहली एंटीबायोटिक 1929 में बनी है। एडवर्ड जेनर ने पहली वैक्सीन बनाई थी। तो ये सब वो हैं जो हमारे लिए यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दूसरा डीकम्पोजर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या होते हैं? वो डीकम्पोजर होते हैं। डीकम्पोजर का मतलब ये है जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो डेड बॉडीज होती हैं, उनको ये डिकम्पोज कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं, स्मॉल हार्मफुल सब्सटेंस को अनहार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। हार्मफुल सब्सटेंस को अनहार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल थी अब वो हमारे लिए यूजफुल हो जाएंगी। तो डिकम्पोजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर ये डिकम्पोजर ना हो तो पूरी दुनिया में कचरा कचरा छा जाएगा, ये कचरे को ख़त्म कर देते हैं। प्रोटोजोआ कॉज, सॉरी, हाँ, डीकम्पोजर। इसके बाद एक चीज़ और, चलिए, प्रोटोजोआ कॉजेज सीरियस डिसीज लाइक डायसेंट्री और मलेरिया। प्रोटोजोआ के जरिए भी बहुत सारी डिसीज होती हैं, जैसे डायसेंट्री है, मलेरिया है। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अवर फूड एंड कॉजेज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग भी इससे बीमारी होती है। हार्मफुल यूजफुल बैक्टीरिया के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जैसे कॉल लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये एक बैक्टीरिया है जो कर्ड से दही बनाने के काम में आता है, मिल्क से कर्ड बनाने के काम में आता है। मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होता है, इसका नाम है कैसीन। कैसीन प्रोटीन को कोएगुलेट करके लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है कर्ड को प्रोड्यूस करने में। दूसरा एक फंगस, एक हमारे पास ईस्ट होता है, एक फंगस है ईस्ट। ईस्ट आता है एल्कोहल को प्रोड्यूस करने में, जिसमें हमने फर्मेंटेशन के अंदर पढ़ा होगा, जो शुगर होती है डिफरेंट फ्रूट्स के अंदर मौजूद है, उस शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है ईस्ट। तो ईस्ट हमारे लिए यूजफुल है, लैक्टोबैसिलस हमारे लिए यूजफुल है। इसके अलावा एगर, एगर जेली होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है जो हमें इन सारी चीज़ों से मिलता है।
अब हार्मफुल बैक्टीरिया बहुत सारी डिसीजेज हमें होती हैं, बैक्टीरियल डिसीज होती है, फंगल डिसीज होती हैं और प्रोटोजोअल डिसीज होती हैं। तो प्रोटोजोअल डिसीज के अंदर डायसेंट्री मलेरिया है, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गी ग्रो ऑन अवर फूड और ये हमें फूड पॉइजनिंग करते हैं। फूड पॉइजनिंग किससे होती है? क्लॉस्ट्रिडियम से, साल्मोनेला से, ये फूड पॉइजनिंग होती है इनसे। और इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए और यूजफुल होते हैं, दैट इज कॉल्ड राइजोबियम बैक्टीरिया या नोस्टॉक या एनाबेना ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या करते हैं, ये रिसाइड करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया लेगुमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स के अंदर होते हैं, रूट नोड्यूल्स के अंदर ये होते हैं। और रूट नोड्यूल्स के अंदर जब ये होते हैं तो ये सॉइल से नाइट्रोजन को लेकर उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर। तो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड जो है वो बनाते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जिससे हमारी सॉइल की ठीक है जी ओके जी इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, यानी कि नाइट्रोजीनियस कंपाउंड उसको मिल जाते हैं। दूसरा हमारा अब हमने एक नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी थी इस चैप्टर के लास्ट में कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है। नाइट्रोजन साइकिल के अंदर हमने 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, ये एक तो लाइटनिंग के जरिए होता है और दूसरा राइजोबियम बैक्टीरिया के जरिए या नोस्टॉक या एनाबेरा के जरिए होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को प्लांट एब्जॉर्ब करता है और नाइट्रोजन कंपाउंड को प्लांट प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, इज कॉल्ड एसिमिलेशन। प्लांट दूसरा स्टेप होता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन के अंदर प्लांट प्रोटीन बन जाते हैं जब प्लांट की डेथ होती है, ठीक है ना। तो प्लांट प्रोटीन अमोनियम कंपाउंड में कन्वर्ट है, दिस कॉल्ड अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन के बाद फिर होता है नाइट्रिफिकेशन, अमोनिया से नाइट्रोजन कंपाउंड बनते हैं और नाइट्रोजन के बाद होता है फिर डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा होता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन, तीसरा होता है अमोनिफिकेशन, चौथा होता है नाइट्रिफिकेशन और पांचवा होता है डीनाइट्रिफिकेशन। जो नाइट्रोजन कंपाउंड है वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है, ओके। इसके बाद हमारा तीसरा स्टेप है चैप्टर नंबर थ्री है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी क्वेश्चन इससे आते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक लाइक नेचुरल फाइबर्स आर मेड ऑफ वेरी लार्ज यूनिट्स। हम जानते हैं मोनोमर सिंगल वो होता है यूनिट और पॉलीमर जो है वो हमारा बहुत सारे जब मोनोमर मिल जाते हैं तो उससे बनता है पॉलीमर। ये एक लार्ज होता है यूनिट जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर मिले होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर मिलकर एक पॉलीमर बनता है। पॉलीमर बहुत सारे स्मॉल यूनिट मोनोमर से मिलकर बना होता है। वाइल नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल फाइबर हमें किससे मिलते हैं? प्लांट्स एंड कौन से नेचुरल फाइबर मिलते हैं? वूल और कॉटन एंड जूट। एनिमल से क्या मिलता है हमें? इसके अलावा सिल्क भी हमें, सॉरी, एनिमल से मिलता है वूल, सिल्क और प्लांट से मिलता है हमें कॉटन एंड जूट, ठीक है ना। लाइनिंग भी इसके अलावा हमें मिलता है प्लांट से। तो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं आर ऑब्टेन बाई केमिकल प्रोसेसेस ऑफ द पेट्रोकेमिकल्स। ये पेट्रोकेमिकल्स जो हमें केमिकल मिलते हैं पेट्रोलियम से, उनसे सिंथेटिक फाइबर बनते हैं। तो लाइक नेचुरल फाइबर दीज फाइबर के लाज वो बिन टू फैब्रिक, और इससे भी हम फैब्रिक बना सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर फाइंड यूज रेंजिंग फ्रॉम मैनी हाउस होल्ड आर्टिकल्स लाइक रोप्स बनती हैं इसकी, बकेट्स बनती हैं, फर्नीचर बनते हैं, कंटेनर्स बनते हैं, टू हाईली स्पेशलाइज यूज इन द एयरक्राफ्ट, शिप्स, स्पेस क्राफ्ट, हेल्थ केयर, ये सब जगह इसका जो है सिंथेटिक फाइबर का यूज होता है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ केमिकल्स, सिंथेटिक फाइबर जो है वो चार तरह के हैं हमारे कोर्स में। पहला है रेयन, दूसरा है नायलॉन, तीसरा है पॉलिएस्टर, चौथा है एक्रेलिक। रेयन सबसे बड़ा, रेयन एक्चुअल में सेमी सिंथेटिक कहलाता है, इसको सेमी सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं, रीजनरेटेड फाइबर भी कहते हैं। ये बनता है वुड पल्प या सेल्युलोज से, इट इज सेमी सिंथेटिक फाइबर। इसको हम रीजनरेटेड फाइबर भी कहते हैं क्योंकि ये सेल्युलोज से बनता है, सेल्युलोज ऑलरेडी एक फाइबर है। इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं क्योंकि इसका अपीयरेंस सिल्क की तरह होता है। इसका यूज होता है साड़ी बनाने में, ड्रेसेस, सॉक्स, बेडशीट, कर्टेन, कारपेट्स, सर्जिकल ड्रेसिंग जो डॉक्टर हमारी ड्रेसिंग करते हैं वो, बैंडेजेस एंड मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड्स, ये सब बनाने में रेयन का यूज होता है। रेयन के बाद दूसरा है नायलॉन।
नायलॉन ये सबसे पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। रेयन नायलॉन से पहले बन चुका था लेकिन रेयन फुल्ली सिंथेटिक नहीं है। तो सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर नायलॉन है जो 1931 में बना था। 1931 इसका नाम नायलॉन इसलिए है क्योंकि दो सिटीज में एक साथ बना था, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से लिया गया NY और लंदन, लंदन से लिया गया LON। इसने इसका नाम पड़ा नायलॉन। दो जगह के साइंटिस्ट ने इसको एक साथ बनाया था। नायलॉन एक्चुअल में पॉलीएमाइड है, ये एमाइड मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। और ये जो था हमारा सेलू, ये बना है ग्लूकोज से। रेयन बनता है ग्लूकोज से, नायलॉन बना है एमाइड से, एमाइड से बनता है पॉलीएमाइड। नायलॉन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग फाइबर है, स्टील से भी ज्यादा स्ट्रांग है। लस्ट्रस होता है, इलास्टिक होता है, हाईली लाइट वेट होता है, इजी टू वॉश, ये बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, रिंकल फ्री, इसको आपको आयरन करने की जरूरत नहीं है। एब्रेजन रेजिस्टेंस, मजबूत होता है, फटता नहीं है। डू नॉट एब्जॉर्ब मच वाटर, बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करता, जल्दी सूख जाता है। नॉट अट्रैक्ट बाई मॉथ, और इसके ऊपर कीड़ों का कोई असर नहीं होता। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइबर है। इसके बाद है हमारा एक्रेलिक फाइबर, इट इज यूज, अच्छा इसका इस्तेमाल होता है फिशिंग नेट्स में, क्लाइंबिंग रोप्स में, पैराशूट्स में, टेंट्स, वॉशर, पुलीज, स्लीपिंग बैग, कर्टेन, नेकटाई, सॉक्स, बहुत सारे इस्तेमाल हैं इसके। दूसरा है हमारा पॉलिएस्टर, तीसरा फाइबर है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये नायलॉन से ज़्यादा स्मूथ होता है, नायलॉन से ज़्यादा कह लीजिए इसके पास जो है वो इलास्टिसिटी नायलॉन से ज़्यादा होती है। तो टेरिलीन, टेरिन और डेक्रॉन, ये तीन टाइप के पॉलिएस्टर्स होते हैं। टेरिकॉट, टेरिलीन के अगर आप कॉटन मिला दें तो क्या बनता है, टेरिकॉट। ये ब्लेंडेड फैब्रिक है, ब्लेंडेड फैब्रिक, दो या दो से ज़्यादा फाइबर को मिलाकर बनती है। टेरी वूल, टेरिलीन और वूल, इट इज, ये भी लाइट होता है, स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है, एब्जॉर्ब लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। इसकी प्रॉपर्टी तकरीबन नायलॉन से मिलती जुलती हैं। स्ट्रांगर देन नायलॉन ये नहीं होता बेटा, नायलॉन ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ओके, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। नायलॉन ज़्यादा स्ट्रांग होता है, सॉफ्टर देन नायलॉन, नायलॉन ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ये इसका इस्तेमाल होता है सेल्स में, जो शिप्स होती हैं जिसके अंदर कपड़ा लगा होता है वो, वाटर होजेज में, कन्वेयर बेल्ट्स, ड्रेस मटेरियल, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। और एक इसका टाइप है PET, पॉलीथीन टेरेप्थलेट, जिसका इस्तेमाल यूटेंसिल, वायर और फिन्स वगैरह बनाने में होता है। PET, पॉलीथीन टेरेप्थलेट, जो आपको फ्रिज में बोतल वगैरह, ये जो आपकी ये वह है वाटर बोतल, ये PET की होगी तकरीबन, PET की बनती हैं और पॉलीथीन की बनती हैं, लेकिन PET की भी हो सकती है। चौथा फाइबर है हमारा एक्रैलिक, मेड फ्रॉम पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, इट इज लाइट इन वेट, सॉफ्ट एंड वूल लाइक फील। ये लाइट वेट होता है, सॉफ्ट होता है और वूल लाइक फील होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल वूल की जगह होता है। यूज फॉर मेकिंग शॉल्स, स्वेटर, ब्लैंकेट, जैकेट। तकरीबन जो आपकी वूल की मार्केट आप देखेंगे 75% जो है उसके अंदर एक्रैलिक होता है। वूल मार्केट में बहुत कम अवेलेबल होता है क्योंकि वूल का प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं है, इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। अब सेकंड स्टेप पर आते हैं हम, इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है प्लास्टिक्स। तो पॉलीथीन, प्लास्टिक भी हमें कई तरह की पढ़नी है, जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन बनती है इथीन से, इथीन इज अ मोनोमर, पॉलीथीन इज अ पॉलीमर, टफ एंड ड्यूरेबल, ये भी टफ एंड ड्यूरेबल होती है। यूज इन पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन बैग जो होते हैं वो एक्चुअल में कहलाते हैं LDPE, क्या कहलाते हैं, LDPE, लो डेंसिटी पॉलीइथीन। जो पॉलीथीन हम पॉली बैग्स यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन, वाटर प्रूफ प्लास्टिक शीट, बोटल्स, अभी जो हमने आपको बोटल की एग्जांपल दिखाई थी वो भी हो सकती है, बकेट्स, पैकेजिंग मटेरियल, जो हमारे बाथरूम के अंदर, किचन के अंदर जो प्लास्टिक के आइटम होते हैं वो सब पॉलीथीन होते हैं। दूसरा होता है PVC या पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये स्ट्रांग और हार्ड प्लास्टिक होती है। इसका इस्तेमाल होता है इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर में, पाइप्स हैं, गार्डन होजेज में, रेनकोट्स में, ठीक है ना, PVC का, शूज के सोल बनाने में। और उसके बाद है बेकेलाइट, ये बहुत ज़्यादा हार्ड और टफ होती है और ये होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसका इस्तेमाल कुकर का हैंडल और जो हमारे इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं उसका बनाना होता है, क्योंकि ये गुड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो जो हमारे स्विच वगैरह होते हैं वो सब बेकेलाइट के बनते हैं, और बेकेलाइट जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, पॉलीथीन और PVC ये थर्मोप्लास्टिक कहलाती है। मेलामाइन, मेलामाइन इज हीट टॉलरेंट, इसीलिए आपने देखा होगा जो फायर वो होते हैं फायर रेजिस्टर, फायर फाइटर, उनकी जो वो होती है जैकेट,
वो इसी की बनी होती है मेलामाइन, क्योंकि आग नहीं पकड़ती। फायर एस्टर दो यूज इन मेकिंग फ्लोर टाइल, अनब्रेकेबल किचन वेयर्स, एस्ट्रेज, फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक, टेफलॉन। टेफलॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने किचन के अंदर जो ब्लैक कलर के बर्तन आपने देखे हैं, जिसको हम नॉन स्टिक यूटेंसिल बोलते हैं, वो इसी के बनते हैं, टेफलॉन की। मेटल के ऊपर टेफलॉन की कोटिंग हो जाए, इसकी वजह से वो नॉन स्टिक कहलाते हैं। ये डू नॉट स्टक विद ऑयल एंड वाटर, इसके ऊपर स्टक नहीं होता, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर। कुकवेयर के ऊपर नॉन स्टिक कोटिंग जो होती है वो इसी की होती है, टेफलॉन की। इसके बाद है टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक दो तरह की होती है, एक थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो होती है जिसको हम बार बार अलग अलग शेप में मेल्ट करके मोल्ड कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन उसको मोल्ड किया जा सकता है, उसे कहते हैं हम थर्मोप्लास्टिक। इसके अंदर क्या है, पॉलीथीन है, पीवीसी है, टेफलॉन भी यही है। और थर्मोसेटिंग के अंदर आएगा जो एक बार हमने उसको जो शेप दे दिया उसे हम दोबारा कोई शेप नहीं दे सकते। कैन नॉट बी मोल्डेड सेकेंड टाइम ऑन हीटिंग, बेकलाइट एंड मेलामाइन, ये क्या है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती हैं। चैप्टर नंबर 4, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अ सब्सटेंस विच कैन नॉट ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल प्रोसेस कॉल्ड मैटर। मैटर हम जानते हैं, जिसको हम एलिमेंट या मैटर को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। किसी भी एटम एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, एटम। एलिमेंट्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हमें यहाँ पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। सबसे मेटल्स क्या होते हैं, मैलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मैलेबल का मतलब है कि मेटल्स को हम बीट करके, हिट करके शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और डक्टाइल का मतलब है उसके हम वायर बना सकते हैं। तो डक्टिलिटी का मतलब है वायर बनाना, मैलेबिलिटी का मतलब है शीट बनाना। मोस्ट डक्टाइल मेटल क्या होता है, गोल्ड। और मोस्ट मैलेबल मेटल क्या है, गोल्ड। गोल्ड सबसे ज्यादा मैलेबल और डक्टाइल मेटल है। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। जितने भी मेटल्स हमारे पास हैं वो सारे सॉलिड हैं सिवाय मरकरी के। मरकरी जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। मेटल्स आर लस्ट्रस, यानी कि इनकी सरफेस शाइनी होती है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। हीट भी इनके अंदर से कंडक्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी भी इनके अंदर से कंडक्ट हो जाती है। ये मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स सख्त होते हैं, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। ये एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटाशियम जो है वो ना हार्ड होता है ना स्ट्रॉन्ग होता है, ये एक्सेप्शन है। मेटल्स आर सोनोरस, यानी कि जब आप इनको हिट करेंगे तो इनके अंदर से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम, ये भी एक्सेप्शन है एक डेंसिटीज में। मेटल्स की डेंसिटीज हाई होती है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम के अलावा मेटल्स के जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल एंड नॉट डक्टाइल, दे आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, हम उन्हें जब हिट करेंगे या स्ट्रेच करेंगे तो वो पीसेस में टूट जाएगा, शीट और वायर में कन्वर्ट नहीं होगा, उसे बोलते हैं हम डक्टाइल। तो मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी की अपोजिट प्रॉपर्टी कहते हैं ब्रिटलनेस। नॉन मैलेबल आर सॉलिड और गैस। सिर्फ एक नॉन मेटल ऐसा है जो कि लिक्विड है, ब्रोमीन। बाकी सारे नॉन मेटल या तो सॉलिड होते हैं या गैस, सिर्फ ब्रोमीन है जो कि लिक्विड है। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। नॉन मेटल जो है वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, उनके ऊपर कोई लस्टर नहीं होती एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल जिसके ऊपर लस्टर होती है, शाइनी सरफेस होती है। मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सॉरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड, डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये ग्रेफाइट और डायमंड एक्चुअल में दीज आर द फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। दो कार्बन अगर ग्रेफाइट की फॉर्म में है तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, कार्बन अगर डायमंड की फॉर्म में है तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा। इसके बाद आते हैं हम नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। जितने भी मेटल हैं वो सारे सॉफ्ट होते हैं, यहां भी एक एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि सॉफ्ट नहीं होता, हार्ड होता है, और इतना ज्यादा हार्ड होता है कि जितने भी नेचुरल सब्सटेंसेस हैं वो सारे नेचुरल सब्सटेंसेस में सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस जो है वो डायमंड है। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। नॉन मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। साउंड तो प्रोड्यूस होगी
लेकिन रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है ना। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज, जितने भी नॉन मेटल हैं सबकी डेंसिटी लो होती है। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड डायमंड, तमाम नॉन मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं सिवाय डायमंड और ग्रेफाइट के। इसके बाद आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज के हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स, डिफरेंट कंपाउंड के साथ मेटल और नॉन मेटल किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव मेटल ऑक्साइड्स। जितने भी मेटल्स हैं वो जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे हमेशा मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, और मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये बात याद रखिएगा। तमाम नॉन मेटल ऑक्साइड बेसिक, मेटल ऑक्साइड बेसिक होती हैं। सिर्फ दो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होती हैं, एक होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और दूसरी है जिंक ऑक्साइड ZnO। ये दोनों ऑक्साइड कहलाती हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक का मतलब है ये एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करती है। जितनी भी मेटल ऑक्साइड हैं सब बेसिक होती है सिवाय एल्यूमिनियम और जिंक के, ये बेसिक तो होती हैं, बेसिक के साथ साथ ये कभी कभी एसिडिक बिहेवियर भी शो कर देती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये तो होगी ऑक्सीजन के साथ। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना। मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड दोनों चीजें बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनाता है और मेटल ऑक्साइड भी बनाता है। रिएक्ट विद एसिड, मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, मेटल सॉल्ट बनेगा। जैसे मेटल ने यानी कि सोडियम ने रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा सॉल्ट, सॉल्ट का मतलब हो गया सोडियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी इसमें, हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 गैस प्रोड्यूस होगी। मेटल्स रिएक्ट विद बेस, बेस के साथ भी सेम रिएक्शन है, मेटल जब बेस से रिएक्ट करता है तब भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है, उस केस में भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। पांचवी है मेटल्स मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर साल्ट, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। हमने आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, पीएससी मजेंटल, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, निकल, लेड, इसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सीरीज होती है। इसमें क्या होता है, ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट से, इसे बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता था तो मेटलिक ऑक्साइड बनती थी, नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनती है। दीज आर एसिडिक इन नेचर और न्यूट्रल, ज्यादातर एसिडिक होती है, कुछ न्यूट्रल भी होती है। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक एंड सम नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल। नॉन मेटल डोंट रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, कोई रिएक्शन नहीं होगी। नॉन मेटल डोंट रिएक्ट विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। सम मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देता है। ओके इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था इसके अंदर एलॉय। एलॉय क्या होते हैं, एलॉयज आर द होमोजीनियस कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या तो दो मेटल के, दो या दो से ज्यादा मेटल, या मेटल और नॉन मेटल मिलकर जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलॉय। एलॉय क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, इनका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होता है। जैसे ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ड्यूरालूमिन इज एन अलॉय ऑफ एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल, सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ टिन एंड लेड, स्टील, आयरन एंड कॉपर,
स्टील, आयरन, क्रोमियम, कार्बन, निकल, तो ये एलॉय होते हैं। एलॉय की प्रॉपर्टी मेटल के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी होती है, इसीलिए हम एलॉयज बनाते हैं। एलॉयज ज़्यादा रेजिस्टिव होते हैं कोरोजन के, एलॉय ज़्यादा स्ट्रांग होता है, एलॉय ज़्यादा मैलेबल होता है, एलॉय ज़्यादा डक्टाइल होता है, तो एलॉय की वजह से जो है वो मेटल की प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम जानते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल क्या होते हैं? जो डेड रिमेन्स हैं। आप लाखों करोड़ों साल पहले जमीन के अंदर जो एनिमल्स और प्लांट दब गए थे, वो धीरे धीरे एन एरोबिक बैक्टीरिया के जरिए ऑक्सीजन के एब्सेंस में कन्वर्ट हो गए किसके अंदर? कोल एंड पेट्रोलियम के अंदर, जिस प्रोसेस बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। तो ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। फॉसिल क्या होते हैं? जो डेड रिमेन्स होते हैं, वो डेड रिमेन जब कन्वर्ट हो गए तो उसको क्या बोलते हैं हम? फॉसिल फ्यूल, जिसमें क्या है, तीन होते हैं, एक कोल है, पेट्रोलियम है एंड नेचुरल गैस है। फॉसिल्स आर द फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? एग्जॉस्टेबल हैं, खत्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं बनेंगे, एक बार आपने यूज कर लिया, खत्म, फिनिश। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अब अगर हम कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें तो हमें चार चीजें मिलती हैं। कोक मिलता है, कोक हार्ड और पोरस सब्सटेंस होता है, ब्लैक हार्ड एंड पोरस सब्सटेंस, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में होता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। कोल तार, कोल तार ये 200 से ज्यादा कंपाउंड का मिक्सचर होता है और इससे हम बहुत सारी ड्रग्स, प्लास्टिक, पेंट, डाइज, ये सारी चीजें हम कोल तार से बनाते हैं। दूसरा होता है कोल गैस। कोल गैस के अंदर दो चीजें होती हैं, अमोनियम, अमोनिकल लिक्वर और कोल गैस। अमोनिकल लिक्वर के अंदर अमोनिया होता है जो वाटर में डिजोल्व होता है, कोल गैस पानी में से निकल जाती है। इसका इस्तेमाल भी एज अ फ्यूल होता है, कोल गैस का भी इंडस्ट्रीज के अंदर। पेट्रोलियम गैस, इसके अलावा जब हम पेट्रोलियम जो हमें मिलता है जमीन से, पेट्रोलियम वेल्स है, हम जब इसको निकालते हैं तो इसका हमें पेट्रोलियम रिफाइनिंग करानी होती है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर क्या होता है? पेट्रोलियम को साफ साफ किया जाता है, जिससे हमें क्या मिलता है? पेट्रोलियम गैस मिलती है। पेट्रोलियम गैस का मतलब ये LPG है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसी पेट्रोलियम गैस को जब आप लिक्विड में कन्वर्ट करके सिलेंडर के अंदर भर देते हैं तो वही लाल कलर का सिलेंडर जो हमारे घर आता है, ये वही है। डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये सब हमें किससे मिलता है? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पेट्रोलियम रिफाइनिंग करते हैं, पेट्रोलियम को साफ करते हैं, किस मेथड के जरिए? प्रोसेस है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, मेथड का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसके जरिए हम इसको साफ करते हैं। और इसके बाद है नेचुरल गैस। ये नेचुरल गैस हमें दो तरीके से मिलती है, या तो पेट्रोल के साथ मिलती है या अलग मिलती है। कुछ वेल ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ नेचुरल गैस पाई जाती है, कुछ वेल ऐसे होते हैं जिसमें पेट्रोलियम नीचे होता है, सबसे नीचे पानी, उसके ऊपर पेट्रोलियम और उसके ऊपर नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस की कोई जरूरत नहीं होती, इसको डायरेक्ट निकालकर पाइपलाइन के जरिए सप्लाई कर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल व्हीकल्स में होता है, बसेस में, ट्रक्स में, कार वगैरह में। और ये लेस पॉल्यूटिंग, या कह लीजिए क्लीनर फ्यूल है, सबसे ज्यादा साफ फ्यूल है। नेक्स्ट इसके बाद है चैप्टर नंबर 6, कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन हम जानते हैं, जब भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंबशन। बर्निंग को सिंपली क्या बोलते हैं? कंबशन। बर्निंग जनरल में, कंबशन जो है वो केमिकल नेम है, एक ही चीज है दोनों, कंबशन कहें या बर्निंग कहें। तो सब्सटेंस विच बर्न इन एयर, एयर का मतलब है इन ऑक्सीजन, आर कॉल्ड कंबशन। ऑक्सीजन इज नेसेसरी एसेंशियल फॉर द कंबशन। कंबशन के लिए कम से कम तीन चीजें हमारे पास होनी चाहिए। पहली चीज कंबसिबल सब्सटेंस, यानी कोई ना कोई फ्यूल होना चाहिए जो जले। वो क्लॉथ हो सकता है, पेपर हो सकता है, वुड हो सकती है, LPG हो सकती है, पेट्रोलियम हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, वुड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज है ऑक्सीजन होनी चाहिए, यानी कि बगैर ऑक्सीजन के कंबशन पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। और तीसरी चीज क्या होना चाहिए? इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का वो मिनिमम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर वो सब्सटेंस जलना शुरू करता है, कंबशन स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर अटेन होना चाहिए। अगर किसी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर 70 डिग्री है तो आपको उसे 70 डिग्री टेम्परेचर प्रोवाइड करना होगा, तभी कंबशन स्टार्ट होगा, वरना कंबशन स्टार्ट नहीं होगा। कंबशन के दौरान क्या निकलता है? हीट एंड लाइट।
इग्निशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेस फायर. इनफ्लेमेबल सब्सटेंस वो होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, कैरोसिन, एलपीजी, ये सब क्या है, ये सब इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं. अब है टाइप्स ऑफ कंबशन. टाइप्स ऑफ कंबशन में मेनली थ्री टाइप होते हैं, चौथा भी होता है लेकिन मेन टाइप जो है वो थ्री होते हैं. टाइप्स ऑफ कंबशन में सबसे पहला रैपिड कंबशन. ये रैपिड कंबशन सबसे इजीली जो हमें आमतौर पर हमारे घर में नजर आता है, ये आमतौर पर जो हमें दिखता है बर्निंग, वो सब रैपिड कंबशन होते हैं. बर्निंग ऑफ एलपीजी, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ क्लॉथ, बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम, बर्निंग ऑफ डीजल, बर्निंग ऑफ वैक्स कैंडल, बर्निंग ऑफ कैरोसिन, ये जितने भी बर्निंग है ये सब रैपिड कंबशन कहलाते हैं. रैपिड कंबशन में ये रैपिड रेट पर जलते हैं और इसमें हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है जिससे हम अपना खाना बनाते हैं या बहुत सारे काम इस हीट और लाइट के जरिए हम करते हैं, ठीक है ना. तो इसे कहते हैं हम इस रैपिड कंबशन. रैपिड कंबशन के बाद दूसरा आता है हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन. स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद, जिसमें आपको कुछ ना करना पड़े, खुद ब खुद कोई चीज जलना शुरू हो जाए. जैसे सोडियम को कहाँ स्टोर करते हैं, कैरोसिन के अंदर. अगर आप सोडियम को कैरोसिन से निकालकर अपने रूम फ्लोर पर रख दें रूम में, तो वो खुद ब खुद जल जाएगी, आपको जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है. तो इसीलिए वो कहलाते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन. वाइट फास्फोरस, सोडियम, फॉरेस्ट फायर, फायर इन कोल माइंस, ये सब क्या है, स्पॉन्टेनियस कंबशन की एग्जांपल्स हैं. तीसरा होता है एक्सप्लोजन. फायर क्रैकर जो आप बस करते हैं, पटाखे छुड़ाते हैं, बम, ये सब क्या है, एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन के अंदर खास बात क्या है कि साउंड प्रोड्यूस होती है. एक्सप्लोजन के अंदर हीट और लाइट के साथ साउंड भी प्रोड्यूस होती है और ये कंबाइंड स्पेस के अंदर होता है. स्पेस कन्फाइंड, बहुत कम स्पेस के अंदर होता है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है फायर. इसके अलावा एक चौथा होता है जो बोलते हैं स्लो कंबशन. स्लो कंबशन जो हमें नजर नहीं आता लेकिन बहुत धीरे होता है, जैसे कोरोजन. कोरोजन एक स्लो कंबशन है, इसके अंदर बहुत कम हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, कि हमें हीट प्रोड्यूस होती है, हमें नजर नहीं आती. इसके बाद है हमारा फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग. अब तीन तरीके थे जिससे आग लगती है. कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए और इग्निशन टेम्परेचर. तीनों में से किसी भी चीज़ को हम खत्म कर दें, आग बुझ जाएगी, ठीक है ना. या तो कंबस्टिबल सब्सटेंस को खत्म कर दें, या ऑक्सीजन को, या इग्निशन टेम्परेचर को. लेकिन कंबस्टिबल सब्सटेंस को खत्म करना इतना आसान नहीं है. किसी घर में आग लगी है, वहाँ तो पर्दे भी होंगे, फर्नीचर भी होगा, कपड़े भी होंगे, पेपर भी होगा, तो उसको हटाना आसान नहीं है. इसलिए हम इन दो चीज़ों पर काम करते हैं, या तो ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देते हैं, या वाटर के जरिए इग्निशन टेम्परेचर को और सब्सटेंस का टेम्परेचर इन टेम्परेचर से कम कर देते हैं. तो वाटर इज कॉमनली यूज कंट्रोल फायर का. फायर को, आग को बुझाने के सबसे कॉमन यूज वाटर का होता है. लेकिन वाटर कभी भी हम उस आग में इस्तेमाल नहीं करेंगे जो आग तेल के जरिए लगी है, ऑयल के जरिए लगी है, या इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किटिंग के जरिए लगी है. इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के जरिए आग लगी है तो पहले आप मेन स्विच को बंद करेंगे, उसके बाद वाटर का यूज करेंगे. फ्लेम, फ्लेम वो रीजन होता है जहां कंबशन होता है, जहां हमें आग नजर आती है, दैट इज कॉल्ड फ्लेम. फ्लेम के तीन रीजन होते हैं, तीन जोन होते हैं. सबसे होता है एक इनर जोन, या इसे कहते हैं नो कंबशन जोन, लीस्ट हॉट जोन, या डार्क जोन. यहां कोई कंबशन नहीं होता क्योंकि यहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती. यहां सिर्फ क्या होता है, वेपर बनती है, यानी कि जो वैक्स है, वैक्स जो है वो वैक्स वेपर में कन्वर्ट हो जाती है. दूसरा होता है मिडिल जोन. मिडिल जोन में कम आग, कम ऑक्सीजन पहुंचती है, इसलिए यहां होता है इनकम्प्लीट कंबशन. इसको अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो हॉट होकर येलो कलर की लाइट निकालते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ल्यूमिनस जोन. और सबसे ज्यादा धुआं जो है वो यहीं प्रोड्यूस होता है और ये मॉडरेटली हॉट होता है. डार्क जोन के मुकाबले में टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है. लास्ट होता है आउटर मोस्ट जोन. आउटर मोस्ट जोन के अंदर कंप्लीट कंबशन होता है क्योंकि प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है. ये हॉटेस्ट जोन होता है, ब्लू फ्लेम निकलती है, इसलिए इसको नॉन ल्यूमिनस जोन बोलते हैं. इससे लाइट प्रोड्यूस नहीं होती. एन आइडियल फ्यूल, जो आइडियल फ्यूल है, अच्छा फ्यूल होने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, सस्ता होना चाहिए, आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, कंबस्टिबल होना चाहिए अच्छे से, ईजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ईजी टू स्टोर होना चाहिए, कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो ताकि हमें ज़्यादा हीट मिले, और गैसेज या कोई रेसिड, राख वगैरह प्रोड्यूस ना करे जिसकी वजह से पॉल्यूशन ना हो. ये हैं आइडियल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स. आइडियल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक में हम वैसे तो कोई भी फ्यूल आइडियल नहीं है, लेकिन फिर भी
CNG, LPG, ये नियरली आइडियल फ्यूल है क्योंकि इसमें ऐश प्रोड्यूस नहीं होती, स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए इनको हम नियरली आइडियल बोलते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी को हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें, कैलोरीफिक वैल्यू में। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है एक किलोग्राम सब्सटेंस को बर्न करने पर जितनी हीट आप प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन की होती है, 150,000 किलो जूल, उसके बाद 55,000 किलो जूल एलपीजी की होती है, 50,000 सीएनजी की होती है। नेक्स्ट अनबर्न, अब ये जब हम फ्यूल को जलाते हैं खासतौर से फॉसिल फ्यूल, तो पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन किस वजह से होता है? पहला है अनबर्न कार्बन पार्टिकल, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। अनबर्न कार्बन पार्टिकल जब कंबशन होता है तो कार्बन, ये जो फ्यूल है पूरी तरीके से नहीं जल पाता, तो कार्बन पार्टिकल जो है वो कहाँ चले जाते हैं, इस एयर में चले जाते हैं एयर पॉल्यूटेंट के तौर पर, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, अस्थमा वगैरह इससे होता है। इनकम्प्लीट कंबशन जब प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है, पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और आप जानते हैं ये सबसे ज्यादा एक्टिव पॉल्यूटेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम इसको इनहेल करते हैं तो ये हमारे बॉडी के अंदर जाके हमारे ब्लड से रिएक्ट करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उससे रिएक्ट करके ये बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है बनने के बाद हमारे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से सफोकेशन होता है। और अगर देर तक ऐसा रहे और हमें ऑक्सीजन ना मिले, बंद कमरे में अगर आपने किसी फ्यूल को जलाया और आप सो गए तो आप सोते ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब कार्बन मोनोऑक्साइड को हम इनहेल करेंगे सफोकेशन होगा, सफोकेशन के बाद पहले ये बेहोश करती है, बेहोश करने के बाद डेथ हो जाती है, क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं मिलती बॉडी की फंक्शनिंग रुक जाती है और डेथ हो जाती है, इसलिए इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं। इंक्रीज परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए एटमॉस्फेयर के अंदर तो उसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता है। जब ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, सी लेवल का वो सी वाटर का लेवल बढ़ जाता है, बहुत सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और तीसरी चीज है इसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, जिसकी वजह से क्या होती है, एसिड रेन। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होकर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड जब रेन वाटर के अंदर मिलकर जमीन तक आते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन। और एसिड रेन की वजह से बहुत सॉइल को भी नुकसान होता है, प्लांट्स को भी नुकसान होता है, और मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग्स को भी नुकसान होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल, आप जानते हैं कि जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको कंजर्व करना, कंजर्व कहते हैं बचाना। डिस्ट्रॉय होने से, खत्म होने से बचाना उनको, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बायोस्फीयर। अब इसके अंदर कंजर्वेशन प्लांट में बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे। बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर वो रीजन होता है अर्थ का जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। हम जानते हैं हाइड्रोस्फीयर किसको बोलते हैं, वाटर को, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं हम वाटर को, ठीक है ना। लिथोस्फीयर बोलते हैं जमीन को, जब ये दोनों, और एटमॉस्फेयर बोलते हैं एयर को, ठीक है ना। वाटर, एयर और एटमॉस्फेयर, तीनों चीजें मिल जाती हैं और जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के अंदर मतलब है जब लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑफ एन एरिया एंड फिजिकल एनवायरनमेंट जब दोनों मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। जैसे डेजर्ट एक इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, पॉन्ड एक इकोसिस्टम है, डिफॉरेस्टेशन, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। अब डिफॉरेस्टेशन क्या है, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट को काटते हैं, जंगलात को काटते हैं, पेड़ों को काटते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। इसका अपोजिट है रिफॉरेस्टेशन, पेड़ कट रहे हैं आप पेड़ लगाइए तो ये कहलाएगा रिफॉरेस्टेशन। एक टर्म होता है एफॉरेस्टेशन, तो एफॉरेस्टेशन का मतलब है जितने पेड़ कटे हैं उतने पेड़ लगाना। डिफॉरेस्टेशन की वजह से शॉर्टेज ऑफ वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, लकड़ी की शॉर्टेज हो जाएगी अगर डिफॉरेस्टेशन होगा। ग्लोबल वार्मिंग होगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, जब पेड़ कट जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। डेजर्टिफिकेशन होगा यानी कि सॉइल इरोजन होगा, और डिक्रीज इन रेनफॉल, बारिश में कमी आएगी। तो ये डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेज हैं। एक्सटेंशन ऑफ
इसके एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल, वाइल्ड लाइफ और एनिमल भी अगर जंगल नहीं बचेंगे तो वाइल्ड लाइफ और एनिमल जो है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जंगल ही उनका हैबिटेट है। इसके बाद एंडेमिक स्पेशीज, एंडेमिक स्पेशीज वो स्पेशीज होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, जैसे गंगा रिवर डॉल्फिन सिर्फ गंगा में पाई जाती है, लाइन गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है, तो दिस आर कॉल्ड एंडेमिक स्पेशीज। जायंट स्क्वायरल है जैसे बाइसन है, ये कहाँ पाई जाती थी, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, इसलिए ये क्या है एंडेमिक स्पेशीज, फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पाई जाए हर जगह ना पाई जाए। ये तो था एक अलग टाइप। अब इसके बाद में रेड डेटा बुक के अंदर जो लिस्ट है उस लिस्ट के अंदर सबसे पहला आता है एक्सटिंक्ट स्पेशीज। एक्सटिंक्ट का मतलब है वो चीजें जो नो अब खत्म हो गई, नो लॉन्गर एग्जिस्ट एनीवेयर, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती, जैसे डायनासोर, कहानियों में सुना होगा आपने, फिल्मों में देखा होगा, डोडो, केव लाइन, कैस्पियन टाइगर, ये क्या है, ये एंडेमिक स्पीशीज हैं, पहले कभी पाई जाती थी अब नहीं पाई जाती, एक्सटिंक्ट हो गई, खत्म हो गई। दूसरा है इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड का मतलब है कि जो खत्म होने की कगार पर हैं, अगर आपने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया तो वो खत्म हो जाएंगी। फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन का रिस्क है ना, ये खत्म हो सकती हैं, जैसे स्नो लेपर्ड, टाइगर, एशियाटिक लाइन, ग्रेट इंडियन राइनोसीरोस, कश्मीरी स्टैग, ये सब क्या है, ये सब इंडेंजर्ड स्पीशीज है। इंडेंजर्ड के बाद है एक होती है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, इंडेंजर्ड जो खत्म होने वाली है। इसके बाद है हमारा, अब इन स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो इन स्पीशीज को, इन तमाम वाइल्ड लाइफ को, एनिमल्स को, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एरिया रिजर्व किए हैं। उसमें पहला है बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व इज अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, बायोडायवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल ऑफ द ट्राइबल पीपल। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ट्राइबल पीपल को भी कंजर्व किया जाता है, वाइल्ड लाइफ को भी और बायोडायवर्सिटी को भी कंजर्व किया जाता है। इसके तीन जोन होते हैं। सबसे अंदर वाला होता है कोर जोन, ओनली प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, नो ह्यूमन एक्टिविटी। इसके अंदर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया, कोई ह्यूमन एक्टिविटी इसके अंदर अलाउ नहीं है। दूसरा होता है बफर जोन। बफर जोन के अंदर क्या होता है, रिसर्च होती है, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड टूरिज्म, ये अलाउ होता है बफर जोन के अंदर। बफर जोन के बाद तीसरा जोन होता है, इसको हम ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। इसके अंदर ह्यूमन सेटलमेंट ओनली फॉर ट्राइबल, सिर्फ ट्राइबल ही रहते हैं, और कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, ट्राइबल जो है वो अपने लिए कल्टीवेशन भी कर सकते हैं, अपने घर भी बना सकते हैं, सिर्फ ट्राइबल, ट्राइबल के अलावा और कोई नहीं रह सकता। इसके अलावा दूसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अ प्रोटेक्टेड लैंड विच क्रिएटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लैंड को प्रोटेक्ट किया जाता है उसे कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक होता है जू। जू के अंदर आप जानते हैं एनिमल को कहीं और लाकर रखा जाता है, अ लार्ज गार्डन वेयर मैनी टाइप ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर पीपल, लोगों को दिखाने के लिए। अब पूरी दुनिया से अलग तरह के जानवर लाकर इकट्ठे किए जाते हैं, इसको बोलते हैं जू। और जू के बाद है फिर नेशनल पार्क, ये सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया होता है। अ लार्ज एरिया ऑफ सीनिक ब्यूटी प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन टू प्रिजर्व द फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा यानी के प्लांट्स, फौना एनिमल्स, लैंडस्केप, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस फॉर साइंटिफिक इंटरेस्ट, इन सबको इसके अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है। रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक वो बुक है जिसके अंदर इंडेंजर्ड एनिमल और प्लांट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसको कौन करता है, रेड डेटा बुक। नेक्स्ट है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन इज द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट। इसमें क्या होता है, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन या इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर या इन सर्च ऑफ नेस्ट या कह लीजिए कि इन सर्च ऑफ ब्रीडिंग ग्राउंड, जब बर्ड्स एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, उसको बोलते हैं माइग्रेशन। तो माइग्रेशन फिनोमिना मूवमेंट ऑफ स्पीशीज फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट टू सम अदर हैबिटेट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड एवरी ईयर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज लाइक ब्रीडिंग, तो उसे क्या बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन इसके अंदर हमने साइबेरियन क्रेन पढ़ा जो साइबेरिया से इंडिया में आती है। लॉन्गेस्ट माइग्रेशन किसका होता है, आर्कटिक टर्न का, जो तकरीबन एक साल के अंदर नॉर्थ पोल से साउथ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाती है, सबसे ज्यादा तकरीबन 40,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। इसके बाद है कि वी शुड सेव, रीयूज, रिसाइकिल पेपर टू सेव ट्रीज, एनर्जी एंड वाटर,
रेस्टोरेशन इज द रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट. जो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है उसको दोबारा जंगल लगाना, पेड़ लगाना, उसे कहते हैं रीफॉरेस्टेशन. बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट. ठीक है, दोबारा आ गया. अच्छा ठीक, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. अब ये चैप्टर नंबर 8 है हमारा, सेल का जो स्ट्रक्चर है और उसका फंक्शन क्या होता है ये हमें इसके अंदर पढ़ना है. ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड सेल्स. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हम जानते हैं वो तमाम ऑर्गेनिज्म स्मॉलर पार्ट से मिलकर बने होते हैं. ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड ऑर्गन्स. जैसे ऑर्गन्स क्या होते हैं, हमारा हार्ट है, हमारी किडनी है, स्टमक है, टंग है, ये सब क्या है, ये सब ऑर्गन्स हैं, लंग्स हैं. ये ऑर्गन एक्चुअल में स्टिल स्मॉलर और छोटे पार्ट से मिलकर बने होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू. और टिश्यू फिर और छोटे पार्ट से मिलकर जिसको बोलते हैं सेल. तो द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अ सेल. सेल वर फर्स्ट ऑब्जर्व इन द कॉक बाई रॉबर्ट हुक इन 1665. ये पहला नॉन लिविंग सेल था जो रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखा था. सेल एग्जिबिट्स अ वैरायटी ऑफ शेप. इनके बहुत सारे शेप और साइजेस होते हैं सेल के. सबसे छोटा सेल क्या होता है, हमारा रेड ब्लड सेल होता है. नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा नंबर ऑफ सेल भी, मिलियंस ऑफ सेल मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं. सम सेल्स आर बिग इनफ, कुछ बहुत बड़े होते हैं जिसको हम आंखों से देख सकते हैं. जैसे हैंस का एग है, सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच एग. ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल, कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड होते हैं जैसे अमीबा है, प्रोटोजोआ है, ये सब क्या है, पैरामीशियम है, सिंगल सेल है. कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जैसे हमें ह्यूमन, मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं. सिंगल सेल ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शन. जैसे हमारे पास अमीबा है, तो अमीबा एक यूनिसेल्युलर सेल है, सिंगल सेल होता है, लेकिन हमारी बॉडी जो काम करती है, रेस्पिरेशन भी करती है, डाइजेशन भी करती है, इजेशन भी करती है, सर्कुलेशन भी करती है, ट्रांसपोर्टेशन भी करती है, रिप्रोडक्शन भी करती है, इसी तरह से अमीबा भी सारे काम करता है. अमीबा इजेशन भी करता है, अमीशा डाइजेशन भी करता है, अमीशा रेस्पिरेशन भी करता है, अमीशा एक्सक्रेशन भी करता है, अमीशा रिप्रोडक्शन भी करता है. ठीक है ना, तो ये सारे सेल जो एक ही सेल के अंदर होते हैं, यूनिसेलुलर सेल, वो सारे काम खुद करता है. इसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, एक ही सेल को सारे काम करने होते हैं. नेक्स्ट, सेल के अंदर तीन मेन पार्ट होते हैं. एक तो होती है सेल मेम्ब्रेन, सेल का ऊपर का जो कवर होता है सेल मेम्ब्रेन. दूसरा होता है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गाई बॉडीज है, राइजोबियम है, इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनल सेल साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं. और तीसरा होता है न्यूक्लियस. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. यही हमारे सेल का कंट्रोल सेंटर होता है, सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इजेशन को, डाइजेशन को, ग्रोथ को, ट्रांसपोर्टेशन को, सबको यही कंट्रोल करता है, द ब्रेन ऑफ द सेल. और इसके अंदर ही क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जिनके अंदर जीन्स होते हैं जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं पेरेंट्स से चिल्ड्रन के अंदर. न्यूक्लियस इज सेपरेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब जो सेल होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को अलग करता है. सेल्स विदाउट ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, वो सेल जिसके अंदर ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. लैकिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल. जिस सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल. प्लांट सेल्स आर डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन हैविंग एडिशन लेयर ऑफ अराउंड द सेल कॉल्ड सेल वॉल. प्लांट सेल के अंदर एक और लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जिसको बोलते हैं हम सेल वॉल. ये सेल वॉल नॉन लिविंग होती है. कलर्ड बॉडीज प्लास्टिड्स, सेल के अंदर कुछ कलर्ड बॉडीज पाई जाती है प्लास्टिड. प्लास्टिड तीन तरह के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस होते हैं, ठीक है. क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होते हैं, जो फ्लावर के फ्रूट्स के कलर होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं. और एक होते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर के होते हैं.
तो ग्रीन प्लास्टिड्स को हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। जो अदर कलर है ग्रीन के अलावा उसको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, और जो कलरलेस होते हैं उनको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। प्लांट सेल हैज अ बिग सेंट्रल वैक्यूल, एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल पाए जाते हैं या वैक्यूल नहीं पाए जाते, प्लांट सेल के अंदर एक बिग सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, अ नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स इन एनिमल सेल, और प्लांट सेल का तकरीबन 75% हिस्सा यही वैक्यूल घेर लेता है। इसलिए प्लांट सेल का न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता बल्कि वॉल के पास होता है, और एनिमल सेल का न्यूक्लियस सेंटर में होता है। इसके बाद कुछ और ऑर्गेनल्स भी हैं जो आप देख लीजिएगा, जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है जो क्या होता है, एनर्जी क्रिएट करता है, रेस्पिरेशन करता है, उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। राइजोबियम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है ना। गोल्गाई बॉडी जो है वो एंजाइम्स वगैरह के एक्सक्रेट करती हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनल्स के अलग अलग वर्क फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद चैप्टर नंबर 9, देयर आर टू मोड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस। एनिमल दो तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दूसरा असेक्सुअल। असेक्सुअल का मतलब है जिसमें दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, मेल एंड फीमेल। और असेक्सुअल में क्या होता है, ओनली वन पेरेंट, सिर्फ एक पेरेंट होता है इसके अंदर। रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म, और फीमेल गैमेट होता है ओवा। स्पर्म और ओवा जब आपस में मिलते हैं उसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गन्स इन द फीमेल इंक्लूड ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूटेरस। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर तीन पार्ट होते हैं, एक होता है ओवरीज जो एग प्रोड्यूस करती हैं, दूसरा होता है ओविडक्ट या इसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, और तीसरा होता है यूटेरस, ठीक है ना, जहां पर एग जो है वो आ जाता है निकलकर। और इसके बाद है द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल। मेल के अंदर क्या होता है, टेस्टिस, ये क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म और मेल हॉर्मोन। ओवरी जो है ओवा एंड फीमेल हॉर्मोन यानी कि एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, और ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। स्पर्म डक्ट होती है और पेनिस होता है जिसके जरिए हम स्पर्म को बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। द ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा एंड द टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। फीमेल जो है वो ओवा प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट, ओवरी, और टेस्टिस जो है वो मेल गैमेट यानी के स्पर्म प्रोड्यूस करता है। अब होता क्या है, द फ्यूजन ऑफ ओवम, जब ओवम और स्पर्म ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, जायगोट। जायगोट सिंगल सेल्ड होता है, एक सिंगल सेल्ड न्यूक्लियस। जायगोट के पास क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस। जब स्पर्म और ओवा दोनों मिल जाते हैं तो जायगोट बनता है, जायगोट के पास एक न्यूक्लियस होता है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, तो उसको कहते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अगर जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है और दूसरे एनिमल्स में होता है, काउज और डॉग्स में, वो फर्टिलाइजेशन जो ह्यूमन बॉडी के बाहर होता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और ये होता है फ्रॉग्स में, फिश में, स्टार फिश में। इसमें क्या होता है, जो फीमेल है वो अंडे एग जो है वो एक जगह देती है, मेल उसके ऊपर आके स्पर्म डाल देता है, जायगोट। अब जायगोट जो है वो रिपीटेडली डिवाइड होना शुरू होता है और क्या बनाता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो गेट्स एम्बेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस। एम्ब्रियो जो है वो यूटेरस की वॉल में एम्बेड हो जाता है, जुड़ जाता है यूटेरस की वॉल से, और उसके फिर उसका फर्दर डेवलपमेंट होना शुरू होता है। जब एम्ब्रियो के अंदर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स नजर आने लगते हैं तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं, फेटस। बॉडी पार्ट्स आर आइडेंटिफेबल, जब बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफेबल हो जाए, बॉडी पार्ट्स दिखने लगे तो उसको हम बोलेंगे फेटस। तो सबसे पहला बनता है जायगोट, जायगोट के बाद एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद फेटस। ह्यूमन एनिमल सच एज ह्यूमन बींग, काउ, डॉग्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, उसको क्या बोलते हैं, विवी पैरस एनिमल, जो यंग वन को बर्थ देते हैं, और जो एग प्रोड्यूस करते हैं ले एग आर कॉल्ड ओवी पैरस एनिमल, उनको बोलते हैं ओवी पैरस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इंटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। लार्वा या कह लीजिए आपका टेडपोल फ्रॉग में, लार्वा बटरफ्लाई में,
कन्वर्ट हो जाता है एक साथ और एडल्ट बन जाता है ड्रास्टिक चेंज के थ्रू, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस जो है वो किसके जरिए होता है? थायरोक्सिन हार्मोन के जरिए, जो कि थायरॉयड ग्लैंड के जरिए प्रोड्यूस होती है। थायरॉयड ग्लैंड कंट्रोल करता है इसको, थायरोक्सिन हार्मोन। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हाइड्रा के अंदर, न्यू इंडिविजुअल बनता है बर्ड से। दिस मेथड ऑफ सेक्सुअल इज कॉल्ड बडिंग, क्योंकि बर्ड के जरिए बनता है इसको, इसलिए क्या बोलते हैं? बडिंग। अमीबा रिप्रोड्यूस होता है बाइनरी फिशन के जरिए, यानी कि एक अमीबा खुद को दो में कन्वर्ट कर देता है। पहले अमीबा का सेल डिवाइड होता है, सेल के बाद न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर दो अलग अलग अमीबा बन जाते हैं, उन दोनों को हम डॉटर अमीबा बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 10 है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस का मतलब है जब टीन एज शुरू होती है। टीन एज शुरू होने के बाद जो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस के बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पर। ह्यूमन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन आफ्टर प्यूबर्टी सेट्स इन। ये मेल के अंदर यानी कि बॉयज में तकरीबन 13 की एज के आसपास, और गर्ल्स के अंदर 11-12 की एज में प्यूबर्टी अटेन हो जाती है। 11 से 19 साल के बच्चों को हम क्या बोलते हैं? एडोलेसेंट्स। ये एडोलेसेंट्स वो पीरियड होता है, इसको टीनेजर भी बोलते हैं। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जैसे ही प्यूबर्टी अटेन होती है, तो प्यूबर्टी अटेन होने का मतलब है कि ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो मैच्योर हो चुके हैं और अब वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। हेयर ग्रोज एट वेरियस प्लेसेस ऑन द बॉडी। इसी के साथ साथ ये तो हमारे प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मैच्योर हो जाए। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद होती है एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। इसमें क्या होता है? हेयर प्रोड्यूस होते हैं अंडर आर्म, प्यूबिक रीजन, अंडर आर्म और प्यूबिक रीजन में हेयर प्रोड्यूस। बॉय के अंदर मूछें डाढ़ी निकलना शुरू हो जाती हैं। गर्ल्स के अंदर क्या होता है? ब्रेस्ट डेवलप होते हैं, फेशियल हेयर यानी कि मॉसिज ऑफ बियर्ड अपीयर इन द बॉयज। वॉइस ऑफ बॉयज बिकम होर्स, लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, यानी कि जो उनका एडम एप्पल नजर आने लगता है, वॉइस बॉक्स का साइज बढ़ जाता है। चिल्ड्रेन गेन हाइट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, और एडोलेसेंस के दौरान ही बच्चों की हाइट ज्यादा बढ़ती है, ज्यादा तेजी से। लड़कियों की हाइट पहले बढ़ती है बहुत तेज, लड़कियों की हाइट देर में बढ़ना शुरू होती है, लेकिन एवरेज हाइट लड़कों की ज्यादा होती है लड़कियों के मुकाबले में। प्यूबर्टी अटेन होने के बाद जब मैच्योरिटी आ जाती है रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? हार्मोन। हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं? मेल हार्मोन रिलीज होता है टेस्टिस के जरिए, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस होता है ओवरीज के जरिए, जिसको हम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं। हार्मोन्स आर सीक्रेशन ऑफ एंडोक्रीन ग्लैंड्स। ही हार्मोन एक्चुअल में एंडोक्रीन ग्लैंड से डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन विच इंक्लूड ग्रोथ हार्मोन एंड हार्मोन्स दैट मेक अदर ग्लैंड सच एज टेस्टेड ओवरी थायराइड्स एंड एड्रिनल सीक्रेट हार्मोन्स। यानी कि हमारी ओवरीज, थायराइड, पैंक्रियाज, ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड है जो इसको कंट्रोल करता है हमारे सारे अदर हार्मोन को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। एक ग्लैंड है हमारी बॉडी में पैंक्रियाज, जो कि हमारे स्टमक के ऊपर और लीवर, स्टमक और लीवर के बीच में पाया जाता है। ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन का काम होता है हमारी ब्लड के अंदर शुगर है, उस शुगर के लेवल को कंट्रोल करना। अगर किसी को हमें शुगर हो गई है, किसी को शुगर होने का मतलब है कि इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रही है। थायराइड प्रोड्यूस थायरोक्सिन ग्लैंड, अभी हमने बताया था थायरोक्सिन ग्लैंड जो है वो ग्रोथ को कंट्रोल करता है। एड्रिनल ग्लैंड, ये एड्रिनालिन होता है, एड्रिनालिन प्रोड्यूस करता है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। टेस्टोस्टेरोन इज द मेल हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है जो टेस्टिस के जरिए प्रोड्यूस होता है और मेल एक्टिविटीज को, मेल सेक्सुअल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है जो कि ओवरीज के जरिए प्रोड्यूस होता है। द यूट्रीन वॉल इन फीमेल्स प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू रिसीव द डेवलपिंग फर्टिलाइज्ड एग। अब जब एग प्रोड्यूस होता है तो उसी बीच में यूटेरस अपनी वॉल को स्ट्रांग कर लेता है और इतना मजबूत कर लेता है ताकि वो एग को रिसीव कर सके। जब एग रिसीव होता है, और अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं होता तो फिर क्या होगा? वो जो वॉल की थिकनेस थी, थिकनिंग ऑफ द वॉल एंड एग, ये सब जो है ब्रेक हो जाते हैं और बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इन केस देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूटेरस वॉल ब्रेक डाउन
एंड गोज आउट बाय द बॉडी अलोंग विद ब्लड, ब्लड के साथ ओवा और ये थिक लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, ये ब्लड के साथ बॉडी से बाहर आती है, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, और ये एवरी मंथ गर्ल्स के अंदर होता है। प्यूबर्टी अटेन होते ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन के स्टार्ट होने को हम क्या बोलते हैं? मेनार्क। जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है उसको क्या बोलते हैं? मेनार्क, यानी कि सेक्स। और जब ये मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है वुमेन के अंदर, ये नॉर्मली 45 के एज के आसपास जाके रुक जाता है, उसको बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन यानी कि मेंस्ट्रुएशन कब नहीं होता? मेनार्क से पहले नहीं होता, मेनोपॉज के बाद नहीं होता, और जब कोई प्रेगनेंसी हो जाती है तब नहीं होता, बाकी जो है वो जो है मेंस्ट्रुएशन चलता रहता है। अनबॉर्न चाइल्ड का जो सेक्स है, यानी कि लड़का होगा या लड़की होगी पैदा होने वाला बच्चा, वो डिपेंड करता है जायगोट पर। जो हमारा स्पर्म होता है, स्पर्म के अंदर एक्स और वाई दो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना, एक्स एंड वाई, लेकिन जो ओवा है उसके अंदर दोनों एक्स ही होते हैं। तो ओवा के जरिए तो एक्स ही मिलते हैं और स्पर्म के जरिए एक्स और वाई, अगर एक्स एक्स मिलेंगे तो दोनों से तो गर्ल होगी, और अगर एक्स वाई मिलेंगे तो बॉय। यानी कि ये मदर पे डिपेंड नहीं करता कि क्या होगा, बल्कि डिपेंड किस पे करता है? फादर के क्रोमोसोम्स पर, स्पर्म पर। चलिए नेक्स्ट, ये हो गए हमारे 10 चैप्टर, यहां हम बेटा एक ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट का काफी है, उसके बाद इंशाल्लाह फिर इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे 5 मिनट के ब्रेक के बाद। तो टाइमर लगा देते हैं, 5 मिनट के ब्रेक के बाद इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, ठीक है। गला सूख गया है थोड़ा सा, उसको तर कर लें। यस, ओके,
ये तो रह ही गया जी सर। हाँ लगा ले, कर लिया ऑन। ठीक है सॉरी बेटा, माइक ऑन करना रह गया था। दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तीन चार ही बातें अभी हमने आपको बताई थी। तो फोर्स एंड प्रेशर जी जी ठीक यस। तो फोर्स के पढ़ते हैं। फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फोर्स। फोर्स एक्चुअल में हिट, थ्रो, पंच, कैच और होल्ड या पुल, ये सारी चीज़ें भी एक्चुअल में, किक, प्लक, ये सारी चीज़ें भी फ्रैक्शन फोर्स की एग्जांपल्स हैं। तो फोर्स अराइज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। फोर्स एक्चुअल में दो ऑब्जेक्ट के अंदर जो इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से फोर्स अराइज होता है। बगैर इंटरेक्शन के फोर्स अराइज नहीं हो सकता। अब ये इंटरेक्शन दो तरीके का होता है, एक कॉन्टैक्ट, एक फिजिकल, एक नॉन फिजिकल, यानी कि कॉन्टैक्ट और एक विदाउट कॉन्टैक्ट। जो जो कॉन्टैक्ट होता है जिसके अंदर उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, जिसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता उसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, यानी कि फिजिकल कॉन्टैक्ट जिनके अंदर नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जाम्पल बॉयंट फोर्स है, फ्रिक्शन है, ड्रैग है, मस्कुलर फोर्स है, मैकेनिकल फोर्स है, ये सारे कॉन्टैक्ट फोर्स है। दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें फिजिकल इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है, बॉडी एक दूसरे को टच नहीं करती, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटी। फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक, तो फोर्स के अंदर डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के पास होते हैं उसको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी के पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं, सॉरी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, जबकि वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। और फोर्स की जो SI यूनिट है वो क्या होती है, न्यूटन, जो कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अ चेंज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डायरेक्शन मोशन और बोथ इंप्लाइज चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। अब देखिए मोशन ऑफ रेस्ट क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को लगातार चेंज करती है तो उसको हम बोलते हैं मोशन, और जब टाइम बढ़ने के साथ साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता तो उसको हम बोलते हैं रेस्ट। ठीक है ना। अब फोर्स क्या करता है, फोर्स जो है वो स्टेट, किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है। पांच तरह के हमने फोर्स के इफेक्ट पढ़े थे। पहला था अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। सेकंड है फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है, कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। और पांचवा चेंज है फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकता है। और फोर्स नेचर के हिसाब से दो तरह के होते हैं, एक बैलेंस और एक अनबैलेंस। जब एक ऑब्जेक्ट पर कई सारे फोर्स लग रहे हैं और उन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या है, जीरो, यानी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा पहले चार में से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स कुछ नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ शेप और साइज को चेंज कर सकता है बस। दूसरा सॉरी बैलेंस फोर्स, दूसरा होता है अनबैलेंस फोर्स, जिस जब सारी ऑफ फोर्स का रिजल्टेंट जीरो ना हो, कुछ ना कुछ रिजल्टेंट हो उसका, कुछ ना कुछ वैल्यू हो, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स सारे काम कर सकता है, शेप भी चेंज कर सकता है, साइज भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, स्पीड भी चेंज कर सकता है, रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट है उसको मूव करा सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, ये सारे काम अनबैलेंस फोर्स कर सकता है। तो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स दो हो गए। इसके अलावा फोर्स एक्चुअल में इनर्शिया को चेंज करने की कोशिश करता है। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज द रेजिस्ट इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो ये चाहती है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे और मोशन में है तो मोशन में रहे। यानी कि अगर कोई ये पेन मोशन में है तो इसका इनर्शिया चाहेगा कि ये हमेशा मोशन में रहे, ये स्क्रीन रेस्ट में है तो इसका इनर्शिया चाहेगा कि ये हमेशा रेस्ट में ही रहे। कब तक, फिर न्यूटन ने इस पर एक लॉ दिया, न्यूटन ने बताया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन दिए। इसमें पहला लॉ था कि जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी
लॉर्ड्स लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इसका मतलब है एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट रिमेन्स इन मोशन। एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अनलेस इट इज कंपेल्ड बाई एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, यानी कि आप कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस नहीं करेंगे जो इनर्शिया को चेंज कर दे। तो फोर्स वो इफेक्ट होता है जो इनर्शिया को चेंज करने की कोशिश करता है। इसीलिए हमें फर्स्ट लॉ क्या बताता है, कंसेप्ट ऑफ फोर्स, कि फोर्स कोई एक ऐसी चीज है जो इनर्शिया को चेंज कर सकता है या चेंज करने की कोशिश करता है। ये सारे हमने पढ़ लिया क्या क्या चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अ फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग, हाँ, तो न्यूटन ने दूसरा लॉ क्या दिया था, पहला लॉ न्यूटन ने दिया लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिससे फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आएगा एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट जो है वो फोर्स कहलाता है। जितना मास ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा, ओके। इनर्शिया भी मास पे डिपेंड करता है, इनर्शिया जितना ज्यादा, मास जितना ज्यादा होगा इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। भारी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा होता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट का, हल्की ऑब्जेक्ट का, लाइटर ऑब्जेक्ट्स का इनर्शिया कम होता है। इसलिए आपको लाइटर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने में आपको कम फोर्स लगाना होता है, हैवियर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने में आपको ज्यादा फोर्स लगाना होता है, ठीक है ना। तो फोर्स ही हमें बताता है, फोर्स ही इनर्शिया को चेंज कर सकता है। दूसरा लॉ हमने बताया एफ इज इक्वल टू एम इनटू, इससे पता चलता है हमें कि कितना फोर्स लगेगा। ये दूसरा लॉ हमें फोर्स की क्वांटिटी बताता है कि कितना फोर्स लगेगा, फोर्स को हम इसके जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा लॉ क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द नेचर ऑफ फोर्स। उसने न्यूटन ने थर्ड लॉ में क्या कहा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के लिए एक अपोजिट रिएक्शन होता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाएंगे तो उसके अपोजिट आपके ऊपर एक फोर्स लगेगा। जैसे हम दीवार पर अगर कुछ फोर्स लगाएं तो दीवार भी हमारे ऊपर फोर्स लगाएगी। दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं, जमीन बॉल को अपनी तरफ खींचती है, तो बॉल भी जमीन को अपनी तरफ खींचती है। जमीन बॉल को खींचती है, बॉल जमीन को खींचती है, लेकिन क्योंकि अर्थ का मास एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले से हो जाएगा एफ इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। फोर्स दोनों के जरिए बराबर लग रहा है। अब जिसका मास ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम होगा। अर्थ का मास क्योंकि बहुत ज्यादा है इसलिए अर्थ के जरिए जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो बहुत कम होता है, और बॉल का मास कम है इसलिए बॉल के जरिए जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो ज्यादा होता है। इसलिए हमें बॉल मूव करती हुई नजर आ जाती है, अर्थ मूव करती हुई नजर नहीं आती। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, यानी कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे, फोर्स इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि बराबर होता है पास्कल के। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल, यानी कि फोर्स की एसआई यूनिट, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, पास्कल। फोर्स की होती है न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, इसलिए इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं, या इसकी एसआई यूनिट को बोलते हैं पास्कल। तो फोर्स जो है वो डिपेंड करता है, प्रेशर डिपेंड करता है एरिया पर और फोर्स पर। एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम होगा, एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा, फोर्स जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि फोर्स, प्रेशर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, एरिया घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। इसकी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि ट्रैक्टर के टायर बहुत चौड़े होते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर को जो है वो फील्ड में काम करना होता है, जमीन में जहां पर सॉइल सॉफ्ट होती है। अगर ट्रैक्टर के टायर पतले होंगे, एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ने की वजह से वो जमीन के अंदर घर जाएंगे, चल नहीं पाएंगे। इसलिए ट्रैक्टर के टायर को मोटा रखते हैं ताकि उसका एरिया बढ़ जाए। जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होने से वो जमीन के अंदर नहीं गड़ेगा। ब्लंट और शार्प नाइफ का केस आपने सुना होगा, ब्लंट नाइफ चीजों को अच्छे से नहीं काट पाता, शार्प नाइफ काट देता है, क्योंकि शार्प नाइफ का एरिया कम होता है।
कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। हमारे स्कूल बैग के स्ट्रैप चौड़े होते हैं ताकि एरिया बढ़ जाए और प्रेशर घट जाए। एनिमल्स के कैमल के जो फीट होते हैं, पैर होते हैं, वो चौड़े होते हैं ताकि एरिया बढ़ जाए और प्रेशर घट जाए। दूसरा है हमारा लिक्विड एंड गैसेस आल्सो एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सॉलिड सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है, लिक्विड डाउनवर्ड और साइडवेज, और गैस चारों तरफ लगाती है, डाउनवर्ड भी, साइडवेज भी, अपवर्ड भी। एयर के जरिए जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर जो हवा है, ये हवा हमारी बॉडी पर जो प्रेशर लगाती है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन लिक्विड, किसी ऑब्जेक्ट को आप पानी के अंदर आप इमर्ज करिए तो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स। अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स, जो कि जैसे हम बकेट के अंदर पानी है, मग को अंदर लेके डालें, मग खुद ब खुद ऊपर आ जाता है, किसकी वजह से? अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स की वजह से। तो ये एक अपवर्ड फोर्स है जो फ्लूइड के अंदर लगता है, लिक्विड और गैसेस के अंदर। बैलून ऊपर क्यों चला जाता है? अपथ्रस्ट की वजह से। तो अपथ्रस्ट वो फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फ्रिक्शन। एक चीज और समझ लीजिए पिछले चैप्टर में, इसके अंदर लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी होता है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, कौन सी डूबेगी, कौन सी चीज सिंक करेगी। तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो चीजें लगती हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है किसी फ्लूइड के अंदर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा इसका? वेट। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा? बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट। इसमें से अगर वेट ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगी, और अगर बॉयंट फोर्स ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाएगी। और ये दोनों डिपेंड करती हैं डेंसिटी पर। लिक्विड की, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड से कम है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी। इसी को हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन बोलते हैं। आयरन की बनी हुई शिप नहीं डूबती, लेकिन आयरन का नेल डूब जाता है, जबकि दोनों आयरन के बने हुए हैं, लेकिन शिप की एवरेज डेंसिटी वाटर से कम होती है। शिप को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसका एरिया बढ़ जाए, एरिया बढ़ने की वजह से, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से उसकी डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अपोजिस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट। फ्रिक्शन तभी लगेगा जब मोशन होगा। ये दो चीजें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। कब लगेगा फ्रिक्शन? जब इनके बीच में मोशन होगा। जब तक मोशन नहीं होगा तब तक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो फ्रिक्शन हमेशा तब लगता है जब मोशन होता है। मोशन के बगैर फ्रिक्शन, या आप मोशन करने की कोशिश करें, या आप मोशन को स्टार्ट करने की कोशिश करें, या मोशन हो रहा हो, दोनों केस में फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सरफेस। फ्रिक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट, यानी कि रफनेस और स्मूथनेस पर। सरफेस है वो कितनी रफ है या कितनी स्मूथ है, अच्छा इस साइड आ गया, यस। तो फ्रिक्शन डिपेंड करता है रफनेस, एंड स्मूथनेस पर। सरफेस कितनी रफ है, कितनी स्मूथ है, सरफेस का नेचर क्या है, इररेगुलेटरीज कितनी है उसके अंदर। फॉर अ पेयर ऑफ सरफेस फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ टू दो सरफेस, कितनी वो सरफेस स्मूथ है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेस प्रेस टूगेदर, और कितना उन्हें दबाया जा रहा है। दो चीजों पर फ्रिक्शन डिपेंड करता है, एक रफनेस पर और या स्मूथनेस पर, नेचर ऑफ सरफेस, और दूसरा फ्रिक्श उसको कितना प्रेस किया जाए, कितना वजन ज्यादा है। जितना ज्यादा वजन होगा, जितना ज्यादा प्रेस किया जाएगा, उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन तीन तरह का होता है। एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है बहुत भारी, आपने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट ने मूव नहीं किया, आपने लेकिन फोर्स लगाया, आपके फोर्स को अपोज किसने किया, फ्रिक्शन ने, उसको क्या बोलेंगे हम, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये कब लगता है, जब
मूव करने की कोशिश करते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहती है, मूव नहीं करती, मोशन स्टार्ट नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद अब हमने फोर्स को बढ़ाया, फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है, जो मैक्सिमम लिमिट है फ्रिक्शन की उतना फोर्स हमने लगा दिया तो उसको बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन से जैसे ही हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे फौरन मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मोशन दो तरीके से स्टार्ट होगा, या तो स्लाइड करेगा या करेगा रोल। अगर स्लाइड कर रहा है तो उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे, रोल कर रहा है तो उसे रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग ओवर एनदर, स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होता है। फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनी ऑफ अवर एक्टिविटीज, यानी कि सबसे बड़ा फ्रिक्शन क्या है, सबसे ज्यादा वैल्यू होती है स्टैटिक, सॉरी लिमिटिंग, लिमिटिंग के बाद स्टैटिक, स्टैटिक के बाद स्लाइडिंग, स्लाइडिंग के बाद रोलिंग। तो सबसे छोटा फ्रिक्शन रोलिंग है, फिर स्लाइडिंग है, फिर स्टैटिक है। ये तीन फ्रिक्शन आमतौर पर पूछे जाते हैं डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज्यादा वैल्यू स्टैटिक की होती है, उसके बाद स्लाइडिंग और सबसे कम रोलिंग। इसीलिए हम व्हीकल्स व्हील्स के अंदर क्या लगाते हैं, पहिए, व्हील, ताकि फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाए और हमें कम फोर्स लगाना पड़े। अब फ्रिक्शन जो है वो एक नेसेसरी इविल है, जरूरी भी है और बुराई भी है, हमें नुकसान भी पहुंचाता है फायदा भी करता है। द फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग सरफेस रफ, फ्रिक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं उसको रफ बनाकर, या उसको हार्ड प्रेस करके, प्रेस उसको हार्डली प्रेस करें उसके जरिए भी फ्रिक्शन इंक्रीज हो सकता है। द सोल ऑफ द शूज, द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स आर ट्रीटेड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। आपने देखा होगा जो आपके शूज के सोल होते हैं उसमें नीचे डिजाइन सा बन रहा होता है, टायर के अंदर भी कटिंग होती है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रीटेड। उनको उन पर वो डिजाइनिंग की जाती है ताकि उनका फ्रिक्शन बढ़ जाए, फ्रिक्शन बढ़ने से वो स्लिप ना हो। अगर वो बिल्कुल फ्लैट होंगे तो स्लिप कर जाएंगे, हम गिर सकते हैं। सम फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल, कभी कभी फ्रिक्शन अनडिजायरेबल होता है और क्या करता है, इसकी वजह से हमारे शूज के सोल घिस जाते हैं, हमारे व्हीकल्स के टायर घिस जाते हैं, मशीन पार्ट्स खराब हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन जब होता है तो फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है मशीन पार्ट्स के बीच में, तो वो हीट, जब हीट प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, मेटल मैटर एक्सपेंड होता है और एक्सपेंड होकर टकरा कर टूट जाता है, तो मशीन पार्ट्स टूट जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, मशीन्स खराब हो जाती हैं, सोल घिस जाते हैं, टायर घिस जाते हैं, ये सब नुकसान आते हैं फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन के बहुत सारे फायदे भी हैं, फ्रिक्शन की वजह से हम चलते हैं, फ्रिक्शन की वजह से हम लिख पाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से हम इरेज कर पाते हैं। तो फ्रिक्शन के फायदे भी हैं, फ्रिक्शन के नुकसान भी हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन को हम इंक्रीज करते हैं रफ सरफेस करके, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं बाय यूजिंग लुब्रिकेंट, या तो हम लुब्रिकेंट डालेंगे यानी कि ऑयल या ग्रेफाइट, या फिर हम इसके अंदर क्या करेंगे, सरफेस को स्मूथ कर देंगे, या दूसरा तरीका है क्या करेंगे, बॉल बेयरिंग, बॉल बेयरिंग का यूज करेंगे, यानी कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं। बॉल बेयरिंग के यूज करने का मतलब हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, और रोलिंग फ्रिक्शन हम जानते हैं वो ऑलरेडी कम होता है। व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर अनदर बॉडी, रोलिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले, रोलिंग फ्रिक्शन स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। इन मैनी मशीन्स फ्रिक्शन रिड्यूस बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग, ये भी हमने बताया बॉल बेयरिंग के जरिए भी रिड्यूस करते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज बाय गिविंग अ सुइटेबल शेप टू द बॉडीज मूविंग इन अ फ्लूइड, उस सुइटेबल शेप का नाम क्या होता है, स्ट्रीमलाइन शेप, स्ट्रीमलाइन शेप, स्ट्रीमलाइन शेप के जरिए हम फ्लूइड फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ये वो शेप है जो एरोप्लेन, फिशेज, बर्ड्स, इन सब में होता है, शिप वगैरह का भी यही फेस होता है, यही शेप होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साउंड। साउंड में हमने पढ़ा था वेव, वेव दो तरह की होती है, एक मैकेनिकल वेव्स होती है, एक नॉन मैकेनिकल वेव्स होती है। नॉन मैकेनिकल वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये वो वेव्स होती हैं जिन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं, और इनकी स्पीड जो है वो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जो लाइट की स्पीड होती है,
नॉन मैकेनिकल वेव, दूसरी होती है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिनको ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, सॉलिड लिक्विड या गैस कोई मीडियम इनको चाहिए। ये जो नॉन मैकेनिकल वेव है दो तरह की होती है, एक ट्रांसवर्स होती है एक लॉन्गिट्यूडनल होती है। ट्रांसवर्स वेव वो होती है जिनका डायरेक्शन ऑफ, ट्रांसवर्स वेव में डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। वेव ऊपर नीचे, पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, वेव ऐसे ट्रेवल करेगी। लॉन्गिट्यूडल वेव के अंदर क्या होता है, डायरेक्शन भी ऐसे होता है वाइब्रेशन भी ऐसे होता है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन एक दूसरे के पैरेलल हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर। तो साउंड वेव एक्चुअल में लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, मैकेनिकल वेव्स होती है जिनको ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। साउंड ट्रेवल थ्रू मीडियम सॉलिड लिक्विड और गैस, साउंड सिर्फ सॉलिड लिक्विड और गैस में ट्रेवल कर सकती है, ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती क्योंकि ये मैकेनिकल वेव्स है। ओके, अब साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन के जरिए, बगैर वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकती। अगर साउंड प्रोड्यूस हो रही है इसका मतलब है वाइब्रेशन हो रहा है, बगैर वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकती। हम बोल रहे हैं हमारा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रहा है, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रहा है, वोकल कॉर्ड के वाइब्रेट करने से आवाज क्या हो रही है, साउंड के पार्टिकल एयर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, एयर पार्टिकल जो है वो हमारे माइक तक जा रहे हैं, ठीक है ना। ये माइक कन्वर्ट कर रहा है हमारी साउंड को किसमें, रेडियो वेव्स में, रेडियो वेव आपके पास जा रही है, आपका लैपटॉप आपका मोबाइल उस रेडियो वेव को वापस कन्वर्ट कर रहा है साउंड वेव के अंदर, और फिर आप साउंड वेव को सुन रहे हैं। इस तरह से साउंड वेव ट्रेवल करती है। तो एयर ड्रम क्या है, एयर ड्रम ये हमारे कान का पर्दा, ठीक है ना, वाइब्रेशन ऑफ साउंड, ये हमारे साउंड के वाइब्रेशन को सेंस करता है, इट सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन, और ये ब्रेन को सिग्नल भेजता है जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हियरिंग। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, एक सेकंड के अंदर जितनी वेव बन रही है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड के अंदर 10 वेव बन रही है तो फ्रीक्वेंसी 10 हो गई, एक सेकंड के अंदर 500 वेव बन रही है फ्रीक्वेंसी 500 हो गई। फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस करते हैं हम हर्ट्ज के अंदर। दूसरा होता है लार्जर द, अब दूसरा लाउडनेस। तो पहली चीज है साउंड की जो वेव की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वेव की कैरेक्टरिस्टिक होती है फ्रीक्वेंसी, वेव की कैरेक्टरिस्टिक होती है वेवलेंथ, वेव की कैरेक्टरिस्टिक होती है एम्पलीट्यूड। तो अगर हम वेव बनाएं, ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एक पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से कितना दूर वाइब्रेट हो रहा है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड डिपेंड पे क्या डिपेंड करती है, लाउडनेस। दूसरा है एक सेकंड के अंदर कितनी वेव बन रही है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है पिच। पिच कहते हैं आवाज का बारीक होना और आवाज का भारी होना। आमतौर पर गर्ल्स की आवाज हाई पिच होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से पिच हाई हो जाती है और साउंड श्रिल हो जाती है, बारीक हो जाती है। बॉयज की फ्रीक्वेंसी कम होती है, बॉयज की पिच कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, पिच कम होती है, जिसकी वजह से उनकी साउंड जो है क्या होती है, होर्स या ग्रेव, भारी होती है। तो आवाज का भारी होना और आवाज का बारीक होना डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। यानी कि एक वेव ये है, दूसरी वेव ये इस तरह की है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो ये हाई पिच होगी, ये लो पिच होगी, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड, एक वेव ये है, दूसरी वेव ये है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड कम है, ये ज्यादा लाउड है, ये कम लाउड है, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है लाउडनेस पर, लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर, लाउडनेस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। अगर आप लाउडनेस को डबल करेंगे, सॉरी एम्पलीट्यूड को डबल करेंगे, लाउडनेस 4 टाइम हो जाएगा, एम्पलीट्यूड को 4 गुना करेंगे, लाउडनेस 16 टाइम हो जाएगी, 16 गुना। और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है पिच पर, पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, लाउडनेस डिपेंड करती है, और सॉरी लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर। तीसरी चीज होती है हमारी क्वालिटी या टिम्बर, जो हर इंस्ट्रूमेंट के जरिए अलग अलग प्रोड्यूस होती है। हमारे घर में हमारी आवाज अलग है, हमारे भाई की आवाज अलग है, हमारी बहन की आवाज अलग है, हमारे फादर की आवाज अलग है। तो ये सब क्या है, ये है क्वालिटी। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, ड्रम की आवाज आप अलग पहचान लेते हैं, फ्लूट की आवाज अलग पहचान लेते हैं, सितार की आवाज अलग पहचानते हैं, गिटार की आवाज अलग
पहचानते हैं। ये सब क्या है, ये सब क्वालिटी है। क्वालिटी डिपेंड करती है वेव फॉर्म के ऊपर कि वेव फॉर्म किस तरह का है, किस तरह की वेव्स बन रही हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा अनप्लीजेंट साउंड। एक तो होता है म्यूजिक, प्लीजेंट साउंड को हम बोलते हैं म्यूजिक और अनप्लीजेंट को बोलते हैं बेटा यस अनप्लीजेंट को हम बोलते हैं नॉइज। जब अनप्लीजेंट साउंड होती जो हमें पसंद नहीं आती उसको बोलते हैं नॉइज और प्लीजेंट को बोलते हैं म्यूजिक। एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड लीड्स टू नॉइज पॉल्यूशन। जब ये नॉइज ज्यादा हो जाती है उसको बोलते हैं नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, हेडेक हो जाता है और इसके अलावा टेंशन होती है, ये सारी चीज़ें इस तरह की चीज़ें होती है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। अटेम्प्ट शुड बी मेड टू मिनिमाइज द नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन कम करना चाहिए। प्लांटेशन ऑन द रोड साइड एंड एल्सवेयर कैन रिड्यूस द नॉइज पॉल्यूशन। प्लांटेशन के जरिए हम नॉइज पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे हमारा एयर जो है, एयर के तीन पार्ट होते हैं, हमारा जो एयर है उसके तीन पार्ट होते हैं। एक तो होता है आउटर एयर, एक होता है इनर सॉरी मिडिल एयर, और एक होता है इनर एयर। आउटर एयर के अंदर की क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल, ऑडिटोरी कैनाल सॉरी, ऑडिटोरी कैनाल, इसके बीच में यहां पर होता है एयर ड्रम। एयर ड्रम जिसे हम कान का पर्दा बोलते हैं, आवाज साउंड जाके हमारे एयर ड्रम से टकराती है, एयर ड्रम वाइब्रेट करता है, एयर ड्रम वाइब्रेशन को पास करता है तीन स्मॉल बोन्स को, हैमर स्ट्रप एनविल, ठीक है ना, हैमर स्ट्रप और एनविल। वाइब्रेशन तीन बोन से पास होने के बाद में कौशलिया से टकराता है जो हमारे इनर एयर का पार्ट है। कौशलिया जो है वो लिक्विड होता है हमारे इनर एयर के अंदर। जब कौशलिया के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है कॉकलिया, तो वो वाइब्रेशन हमारे ब्रेन तक जाता है जिससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑडिटोरी नर्व के जरिए हमारे ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इंटरप्रेट करके साउंड को सुनता है। ओके तो ये हमारे एयर की फंक्शन है कि किस तरह से हमारा एयर काम करता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर। जैसे हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह से लिक्विड भी मेटल के गुड और पुअर कंडक्टर होते हैं। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है गुड कंडक्टर है, सुगर सॉल्यूशन है बैड कंडक्टर है, ठीक है। तो वो तमाम लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, वो लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं उनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए हमें वाटर के अंदर तीन चीजें डिसॉल्व करनी होती हैं। या तो हम उसके अंदर एसिड डिसॉल्व करेंगे, बेस या सॉल्ट। अगर एसिड बेस सॉल्ट हमने इसमें से कोई भी एक चीज डिसॉल्व कर दी तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाएगा। और जब उसमें से करंट पास कराएंगे तो करंट पास कराने के बाद उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगी, उसी केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट में जब करंट पास होता है, करंट पास होने पर केमिकल रिएक्शन होती है, उसी केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं हम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द रिजल्टिंग इफेक्ट्स आर कॉल्ड द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब केमिकल इफेक्ट जो होगा तो इसके अंदर तीन तरह से होगा, या तो आपको कलर चेंज होता हुआ नजर आएगा, या गैस निकलती हुई वो आएगी नजर, या फिर कोई अलग सॉल्यूशन बने। कलर चेंज होगा, गैस निकलेगी, या प्रेसिपिटेशन बनेगा, या आपको बबल्स उसके अंदर नजर आएंगे। तो ये होता है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि मेटल जो है, जो भी सॉल्ट उसके अंदर था, वो नेगेटिव और पॉजिटिव में टूट जाता है, दो अलग अलग जगह ब्रेक हो जाता है, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन। नेगेटिव आयन हम जानते हैं जिन वो एलिमेंट्स, वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसको बोलते हैं नेगेटिव आयन या एनायन।
जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आयन या कैटाइन, कैटाइन या पॉजिटिव आयन, एनाइन या नेगेटिव आयन। एनाइन कब बनता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बनाता है, एनाइन। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बनाता है, कैटाइन। तो कैटाइन नेगेटिव आयन्स होते हैं और सॉरी एनाइन नेगेटिव आयन्स होते हैं, कैटाइन पॉजिटिव आयन्स होते हैं। अब नेक्स्ट चीज है हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, किसी एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की लेयर को डिपॉजिट करना बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे ये हमारी की रिंग है, की है, की के ऊपर ये देखिए यहां पर कितनी ब्राइट फिनिश है। तो ये आयरन तो इतना ब्राइट नहीं होता, आयरन के ऊपर ये लेयर है निकल की, ठीक है ना, या क्रोमियम की, निकल या क्रोमियम की लेयर डिपॉजिट करने से बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम सिल्वर के जो हमारे ऑर्नामेंट्स होते हैं, जेवर होते हैं, उनके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग कर देते हैं ताकि वो गोल्ड जैसे लगे, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर को डिपॉजिट करना। इसमें एक चीज और है, गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन क्या होता है, आयरन के ऊपर जिंक की मेटल अगर डिपोजिट किए थे विदाउट मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो उसको बेटा गैल्वनाइजेशन बोलते हैं। अगर मेटल के ऊपर एल्यूमिनियम की लेयर डिपोजिट करे तो उसको एनोडाइजेशन बोलते हैं, एनोडाइज करना। एल्यूमिनियम की लेयर डिपोजिट करना, एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर डिपोजिट करते हैं उसको बोलते हैं एनोडाइज। आयरन के ऊपर जिंक की लेयर डिपोजिट करते हैं उसको बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। और जब एक मेटल पर दूसरे मेटल की लेयर डिपोजिट करते हैं बाई मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड चैप्टर नंबर 15, सम नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। इसमें यहां पर हम सिर्फ दो नेचुरल फिनोमिना पढ़ेंगे, एक लाइटनिंग और दूसरा अर्थक्वेक। आप लोगों के देख लें कुछ क्वेश्चंस वगैरह तो नहीं आ रहे हैं। यस बेटा, चलिए कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। ओके बेटा, चलिए सम नेचुरल फिनोमिना। तो अब इसके अंदर हम पहला पढ़ेंगे लाइटिंग। लाइटिंग ने पढ़ा होगा कि चार्ज कैसे आता है। सबसे पहली चीज हमने पढ़ा था कि एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि उसके ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। प्रोटॉन वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों के ऊपर चार्ज अमाउंट में बराबर होता है, सिर्फ साइन का फर्क होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। जब ये दोनों चीजें बराबर होती है तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट करके एटम होल ही जो है वो न्यूट्रल होता है। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है जिसको एनायन बोलते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम को इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है जिसको कैटाइन बोलते हैं। इसके अलावा रबिंग के जरिए भी हम चार्जिंग कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाता है। जब ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं, जब दो चीजों को रब करेंगे आपस में, आपने एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है, आपने किया भी होगा या आप कर सकते हैं कि आप अपने कॉम को या पेन को ड्राई हेयर से रब करिए। ड्राई हेयर से रब करते हैं ताकि फ्रिक्शन ज्यादा हो। फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है, जो कॉम है वो चार्ज हो जाता है। कैसे पता चलेगा, स्मॉल पीस ऑफ पेपर आप लीजिए वो उनको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। इसका मतलब है उसके ऊपर चार्ज आ गया है, क्योंकि चार्ज ऑब्जेक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। तो इसके अंदर सम ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कर सकते हैं रबिंग के जरिए। चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और निगेटिव होते हैं। पॉजिटिव को हम प्रोटॉन बोलते हैं, निगेटिव को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लाइक चार्जेस हमेशा रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस बाय रबिंग आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जब रबिंग के जरिए किसी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज आता है, जैसे मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसको आपस में हम अगर वो करेंगे रब, तो इन दोनों के ऊपर चार्ज आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय रबिंग या स्टैटिक चार्ज या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन चार्जेस मूव, जब ये चार्ज मूव करना शुरू कर देता है, जब ये चार्ज मोशन में आ जाता है, बैटरी के अंदर चार्ज होता है, आपने बैटरी को वायर से कनेक्ट कर दिया तो वायर के अंदर चार्ज मूव करेगा, उस मूविंग चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप वो डिवाइस होता है जो हमें ये बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है या नहीं है। चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। आपने एनसीईआरटी की बुक में देखा हो, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की फिगर बनी हुई है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। अब होता क्या है,
अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है, जिस तरह से पानी वाटर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, इसी तरह से चार्ज भी हायर पोटेंशियल सॉरी वायर पानी हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ फ्लो होता है, इसी तरह से चार्ज भी हायर एल्टीट्यूड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है यानी कि लो होता है। अब कोई चार्ज बॉडी अगर अर्थ से कनेक्ट हो जाए तो चार्ज अर्थ के अंदर फ्लो हो जाता है। तो किसी बॉडी को चार्ज को ट्रांसफर करना किसी चार्ज बॉडी से अर्थ के अंदर, उसको बोलते हैं अर्थिंग। अर्थिंग का फायदा क्या होता है कि जो हमारे मेटल अप्लायंसेस होते हैं, वो अप्लायंसेस जो मेटल की जिनकी बॉडी होती है जैसे कूलर वगैरह है, उसके अंदर करंट आ जाए चार्ज और उसको हम छू लें तो हमारी बॉडी को करंट लगेगा, तो हम उसको अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग की वजह से क्या होता है, चार्ज अर्थ के अंदर चला जाता है, हमें शॉक नहीं लगता, हम सेफ हो जाते हैं अर्थिंग के जरिए। लाइटनिंग स्ट्राइक, आपने ये भी पढ़ा होगा कि बादलों में बिजली कड़कती है, क्या होता है बादलों में बिजली कड़कती है। बिजली कड़कना, आवाज आना, गरज और लाइटनिंग, एक थंडर होता है और एक लाइटनिंग होती है, ठीक है। बादल जब क्लाउड जब एक दूसरे के रब करते हैं, जब ये ब्लो करते हैं तो जब रब करते हैं तो रबिंग की वजह से इनके अंदर फ्रिक्शन की वजह से चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ, नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ एक्यूमुलेट होता रहता है, जमा होता रहता है। जब ये चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो ये चार्ज आपस में मिलकर इस लाइटनिंग स्ट्राइक प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जिसको हम लाइटनिंग स्ट्राइक बोलते हैं, बिजली का कड़कना बोलते हैं। बिजली कड़कती है क्योंकि जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा अमाउंट में मिलता है तो जिसकी वजह से स्पार्किंग होती है, उसी को बोलते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक। ये स्पार्किंग क्लाउड्स के बीच में होती है। इस स्पार्किंग की वजह से टेम्परेचर तकरीबन 30,000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, हवा बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, गर्म हवा हो गया जैसी एक्सपेंड होती है, उसके एक्सपेंशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको क्या बोलते हैं थंडर। तो लाइटनिंग की वजह से थंडर प्रोड्यूस होता है। कभी कभी क्या होता है कि अर्थ जब अब क्लाउड जब जमीन के करीब आ जाते हैं तो जो हायर ऑब्जेक्ट्स हैं, जन पर ऊंची बिल्डिंग है, पहाड़ हैं या टॉल ट्रीज हैं, तो उनके ऊपर भी कंडक्शन की वजह से कन्वेक्शन की वजह से चार्ज आ जाता है। जिस और जब बिल्डिंग और क्लाउड के बीच में जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो लाइटनिंग स्ट्राइक ऑन द बिल्डिंग, हम कहते हैं बिल्डिंग पर बिजली गिरी है। उस बिल्डिंग को बचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर का। लाइटनिंग कंडक्टर ये बिल्डिंग के ऊपर एक वायर लगा होता है जो अर्थ के अंदर जा रहा होता है, जो करंट जब उस बिल्डिंग पर लाइटनिंग गिरती है तो उस वायर के जरिए वो सारा चार्ज अर्थ के अंदर चला जाता है और बिल्डिंग सेफ रहती है। नेक्स्ट है हमारा, एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग ऑफ ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ। अर्थक्वेक क्या होता है, सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग, यानी कि अर्थ का एकदम हिल जाना, ये होता है टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से, अंडरग्राउंड वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, ठीक है, या वीक जोन। तो अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक जिस जगह से प्रोड्यूस होता है जमीन के अंदर उसको बोलते हैं फोकस या सीज्मिक फोकस। अर्थ सरफेस सीज्मिक फोर्स के ऊपर जो अर्थ सरफेस के ऊपर पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर। एपिसेंटर पर डिस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा होता है, डीप इनसाइड द अर्थ, अर्थ क्रस्ट के अंदर डिस्टर्बेंस होता है, उसी को अर्थक्वेक बोलते हैं। अर्थक्वेक टेंड टू अकर एट द बाउंड्रीज ऑफ द अर्थ प्लेट, या जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, या फॉल्ट जोन, जहां पर टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से मिलती है जो बाउंड्री होती है। डेस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक मेजर ऑन द रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल हम सीज्मोग्राफ के जरिए अर्थक्वेक को नापते हैं, ठीक है ना, और उसकी इंटेंसिटी शो करते हैं रिक्टर स्केल पर। रिक्टर स्केल पॉइंट होता है, इस पर 1 से लेकर 10 तक और रैंकिंग होती है। 5 तक जो अर्थक्वेक पर होता है उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता, 5 के बाद जो है 6-7 वाले ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं और इस पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। 7 के ऊपर जो होता है, मेजरिंग 7 और मोर रिक्टर स्केल कैन कॉज सीवियर डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। वी शुड टेक नेसेसरी प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से खुद को बचाने के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। इसके बाद 3 चैप्टर बचे हैं हमारे, चैप्टर नंबर 16। 1 मिनट का ब्रेक बेटा। यस, कोई क्वेश्चन नहीं है, आप लोग आपस में बातों में लगे हुए हैं, क्वेश्चन तो कोई है नहीं।
इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बेटा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, एटम के अंदर पाया जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आरबीएस का डिस्कशन, अब तो बेटा आरबीएस का डिस्कशन तो खत्म हो गया, अब तो टेस्ट सीरीज चल रही है, आज का जो पेपर हुआ उसका डिस्कशन कल होगा इंशाल्लाह। यस, चैप्टर नंबर 16, लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी। जिस तरह से साउंड हमने पढ़ा था, साउंड भी एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें सुनने में मदद करती है, लाइट वो एनर्जी की फॉर्म है जो हमें देखने में मदद करती है। लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑल सर्फेसिस। अगर स्मूथ सर्फेस है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और अगर स्मूथ सर्फेस है तो रेगुलर, और अगर रफ सर्फेस है तो इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज्यादा है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से पूरे रूम में लाइट है। अगर ये स्मूथ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ना होता तो बहुत जगह रूम के अंदर अंधेरा होता है, लेकिन लाइट यहां से टकरा कर चारों तरफ फैल रही है, जिसे कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। लाइट जो है वो डुअल नेचर होता है, लाइट का, लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट हैज डुअल नेचर। वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। लाइट का वेव नेचर होता है और पार्टिकल नेचर होता है। अब लाइट के दो रिफ्लेक्शन होते हैं, लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है उसके दो लॉ होते हैं। पहला लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, यानी कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। जब लाइट इस तरह से आती है, ये इंसिडेंट रे है, टकराकर इस तरह से गई, ये क्या है, नॉर्मल, तो ये वाला एंगल एंगल आई कहलाता है, ये वाला एंगल एंगल आर कहलाता है, और एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। और दूसरा है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि एंगल आई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों हमेशा सेम प्लेन में लाई करते हैं। ये दो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के, पहला होता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और दूसरा होता है इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इन्हीं लॉ के जरिए लाइट भी रिफ्लेक्ट करती है और इन्हीं लॉ के जरिए साउंड भी रिफ्लेक्ट करती है। इमेज फॉर्मूला प्लेन मिरर अंडरगोज लेटरल इन्वर्जन। प्लेन मिरर के जरिए इमेज, जो हम शीशे में अपना चेहरा देखते हैं वो प्लेन मिरर के जरिए इमेज बनती है। प्लेन मिरर के जरिए वो बनती है इमेज, उसकी कई कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। पहली बात, सेम साइज की होती है, ठीक है ना। दूसरी बात, मिरर से जितनी दूर हमें उतनी ही दूर हमारी इमेज होगी। तीसरी बात, लेटरली इन्वर्टेड होती है, लेफ्ट उठाएंगे तो ऐसा लगेगा इमेज अपना राइट हैंड रेस कर रही है, हम अगर अपना राइट हैंड रेस करेंगे तो इमेज का लेफ्ट हैंड रेस होगा। चौथी बात, इमेज जो है वो वर्चुअल होती है, यानी कि उसे हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। और पांचवी बात, इरेक्ट होती है, यानी कि सीधी होती है। प्लेन मिरर के जरिए जो इमेज बनती है ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। हम मिरर को एक दूसरे पर, दो मिरर को एक दूसरे के एंगल पर रखकर नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 360/θ-1। ये नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला है, 360/θ-1। थीटा अगर 90 डिग्री है तो 360/90-1, इनके तीन इमेज बनेंगी अगर 90 डिग्री पर दो मिरर रखे हुए हैं तो। सनलाइट कॉल द व्हाइट लाइट। ये जो सनलाइट होती है इसको हम व्हाइट लाइट बोलते हैं। ये सात कलर से मिलकर बनती है, उसको क्या बोलते हैं, सात कलर को, विबजियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है ना। ये सात कलर मिलकर व्हाइट लाइट बनाते हैं। जब ये सात कलर हाई स्पीड के साथ मूव करते हैं तो ये हमें व्हाइट कलर के नजर आते हैं, ठीक है। लाइट जब इन सातों कलर में टूट जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। और डिस्पर्जन के बाद जो सात कलर बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। इस सात कलर के बैंड को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। लाइट का सात कलर में टूटना डिस्पर्जन कहलाता है, और सातों कलर का जो बैंड बनता है उसको बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम। अब ये लाइट, जैसे हमने एयर के बारे में पढ़ा था, ऐसी हमारी आई जो है वो भी क्या, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल सेंस ऑर्गन है जो लाइट पर काम करती है। हमारे आई के बहुत सारे पार्ट होते हैं। सबसे आई का जो फ्रंट पार्ट है हमारा, जो ट्रांसपेरेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे जो कलर्ड पार्ट है, कॉर्निया तो हमें नजर, सामने देखने से कॉर्निया नजर नहीं आता क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है,
और कॉर्निया के चारों तरफ जो व्हाइट कलर का पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? सेलेरा। ठीक है, कॉर्निया के पीछे जो कलर्ड पार्ट है उसको बोलते हैं आयरिस। आयरिस के अंदर जो गोल कलर का ब्लैक पार्ट है उसको बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल से हमारी लाइट जो है वो हमारी आंख के अंदर एंटर करती है। पहले किसमें? पहले कॉर्निया से एंटर करती है, कॉर्निया के बाद प्यूपिल, प्यूपिल के बाद आई लेंस, लाइट टकराती है हमारी आई लेंस पर। आई लेंस भी ट्रांसपेरेंट होता है और वो लाइट को फोकस करके रेटिना पर इमेज बनाता है। रेटिना पर जब इमेज बनती है, लाइट जब रेटिना पर बनती है, रेटिना हमारी आई का क्या है? स्क्रीन है। उस पर जब इमेज बनती है तो उस पर दो तरह के सेल होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कोन्स एंड रॉड्स। कोन्स जो है वो ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, रॉड्स डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। जब ब्राइट लाइट पड़ती है तो कोन एक्टिव हो जाते हैं, कोन एक्टिव होकर ब्राइट सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं, डिम जो है रॉड जो है वो डिम लाइट में सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं। कोन इसके अलावा कलर को भी सेंसेशन करते हैं, कलर को पहचानते हैं, कलर को भी कौन सी पहचानते हैं। ठीक है ना, इसीलिए हमें जब डिम लाइट होती है, रात होती है, तो हमें कलर नजर नहीं आते, क्योंकि ये जो है सिर्फ ब्राइट लाइट में ही कौन काम करते हैं जो कलर को पहचानते हैं। अब हमारी आई जो है वो नियर बाई ऑब्जेक्ट को और दूर की चीज को एक साथ देख पाती है। हम करीब की चीज को भी देखते हैं, दूर की चीज को भी देख लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी कि नियर बाई ऑब्जेक्ट और दूर की चीज को एक साथ देखना क्या कहलाता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन। नॉर्मल आई का नियर पॉइंट कितना होता है? नॉर्मल आई का नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट होता है, फार पॉइंट इंफिनिटी। फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, यानी कि नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर लेके इन्फिनिटी तक क्लियरली देख पाती है, अगर वो नॉर्मल आई है। अगर नॉर्मल आई नहीं है, कोई डिफेक्ट उसके अंदर क्रिएट हो गया, ठीक है, जब कोई डिफेक्ट क्रिएट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। अच्छा सॉरी, ये तो विजुअली इम्पेयर्ड है, डिफेक्टिव आई जिसके आंख में कोई खराबी आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? तीन तरह के डिफेक्ट होते हैं हमारी आई के अंदर। कौन कौन से होते हैं? एक होता है मायोपिया। मायोपिया का मतलब है शॉर्ट साइटेडनेस, करीब का साफ नजर आता है, दूर का साफ नजर नहीं आता। मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मायोपिया को सही करने के लिए किसका यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, इसमें यूज करते हैं कॉनकेव लेंस का, ठीक है। और तीसरी होती है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया मतलब जिसको हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों हो जाएं, उसमें हम बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। और एक होती है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट मतलब आंख के कॉर्निया के ऊपर, कॉर्निया के ऊपर व्हाइट कलर की लेयर आ जाना, उसका एक ऑपरेशन होता है जिसको मोतियाबिंद या कैटरेक्ट बोलते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन के जरिए वो झिल्ली को हटा देते हैं, ठीक है। यह हमारा आई लेंस ओपेक हो जाता है। आई लेंस अगर ओपेक हो गया तो उस आई लेंस को निकाल कर एक दूसरा आर्टिफिशियल आई लेंस लगा देते हैं कैटरेक्ट के अंदर, तो इसका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के जरिए ये सही हो जाती है, ये बीमारियां होती हैं। इसके अलावा जो विजुअली इंपेयर्ड पर्सन होते हैं वो ब्रेल सिस्टम का यूज करते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। ब्रेल क्या है? सिक्स डॉट का एक पैटर्न होता है जिससे वो अलग अलग वर्ड्स को पहचान सकते हैं, सिक्स डॉट्स के पैटर्न्स के जरिए, जिसको ब्रेल सर लुइस ब्रेल ने इसको डेवलप किया था। चैप्टर नंबर 17 है हमारा स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। तो देखिए, स्टार्स हम जानते हैं, स्टार्स वो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं। उनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है जिसमें हाइड्रोजन कन्वर्ट होती है हीलियम के अंदर, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होकर एनर्जी प्रोड्यूस करती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। स्टार हर गैलेक्सी के जो स्टार्स हैं, बहुत सारे स्टार मिलकर गैलेक्सी बनाते हैं, बहुत सारी गैलेक्सी मिलकर यूनिवर्स बनाती हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ा सबसे पहले इसके अंदर फेसेस ऑफ मून क्या होते हैं। आपने देखा होगा चांद जब निकलता है, जो चांद की पहली तारीख होती है, चांद बहुत पतला होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रिसेंट मून। चांद जब नजर नहीं आता उसको क्या बोलते हैं? न्यू मून।
तो न्यू मून पहला फेस होता है जब हमें चांद नजर नहीं आता, जब चांद बारीक सा नजर आता है आधे से कम, उसको क्या बोलते हैं, क्रिसेंट मून। क्रिसेंट मून के बाद चांद के साइज का बढ़ना शुरू होता है, फिर होता है हाफ मून। तो पहला क्या है, नो मून, दूसरा क्रिसेंट मून, तीसरा हाफ मून, हाफ के बाद गिबस, गिबस के बाद फुल मून, ठीक है ना। चांद की 14 तारीख जिसको हम पूर्णिमा बोलते हैं, चौदहवीं की चांद, चौदहवीं का चांद, वो 14 तारीख को होता है चांद की, जो फुल मून होता है, पूरा फेस गोल हमें चांद नजर आता है। उसके बाद चांद के साइज का घटना शुरू होता है, फिर के बाद क्या बनता है, गिबस, गिबस के बाद क्या बनता है, हाफ, हाफ के बाद फिर क्रिसेंट। तो ये टोटल 8 फेस होते हैं एक मंथ के अंदर चांद के, 8 फेसेस ऑफ मून इन अ मंथ। स्टार्स आर द सेलेस्टियल बॉडी दे एमिट ऑन देयर ओन लाइट, सन इज ऑल्सो अ स्टार, इट इज लाइट ईयर। क्या है लाइट ईयर, इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, जो लार्ज डिस्टेंस को हम लाइट ईयर में ट्रेवल करते हैं। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वन ईयर, एक साल में लाइट जो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं लाइट ईयर। स्टार्स अपीयर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, क्यों, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, जिसकी वजह से हमें स्टार ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हुए नजर आते हैं। पोल स्टार, ये पोल के ऊपर है और हमेशा स्टेशनरी नजर आता है, क्योंकि ये पोल के ऊपर है, ये हमें मूव करते हुए नजर नहीं आता। कॉन्स्टलेशन आर द ग्रुप ऑफ स्टार्स, इसमें हमने बहुत जो कि रिकॉग्नाइजेबल शेप बनाते हैं, जिसमें उर्सा मेजर है, उर्सा माइनर या ग्रेट बियर। उर्सा मेजर का नाम क्या है, ग्रेट बियर, ठीक है, उर्सा मेजर, ग्रेट बियर, या इंडियन नेम क्या है उसका, सप्तऋषि, उर्सा माइनर, ठीक है ना, जिसको क्या क्या बोलते हैं, स्मॉल बियर या लघु सप्तऋषि इंडियन नेम है। इसके अलावा ओरियन, तकरीबन हमने 6-7 जो है वो कॉन्स्टलेशंस पढ़े थे, इसके अंदर वो सारे कॉन्स्टलेशन के शेप आपको पता होने चाहिए, स्कॉर्पियन, ओरियन, कैसियोपिया, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर। उर्सा मेजर की वजह से हम पोल स्टार को भी लोकेट कर पाते हैं। उर्सा मेजर का शेप इस तरह का होता है, ये यहाँ पर एक स्टार होता है, यहाँ स्टार होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, इसको अगर हम मिला दें तो यहाँ पर हमें पोल स्टार मिलता है। उर्सा मेजर के जरिए हम पोल स्टार को लोकेट कर पाते हैं। क्या खुदा आता है, यस। अ बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर बॉडी इज कॉल्ड सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होती है, सन के अराउंड जो बॉडी रिवॉल्व कर, स्टार के अराउंड जो बॉडी रिवॉल्व करती है उसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। तो प्लैनेट इज द सैटेलाइट ऑफ द सन एंड मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। कितने टोटल प्लैनेट है हमारे पास, 8 प्लैनेट, सबसे मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है, सन के सबसे करीब है, कोई इसके पास मून नहीं है। दूसरा है वीनस, वीनस सेकंड नंबर पर प्लैनेट है, अर्थ के बराबर इसका साइज है, इसलिए इसको बॉन्ड सिस्टर ऑफ अर्थ भी बोलते हैं, ट्विन्स ऑफ अर्थ भी बोलते हैं वीनस को, ठीक है ना। सारे प्लैनेट कैसे रोटेट करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट, सिवाय वीनस और यूरेनस के, वीनस और यूरेनस ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। तो ये वीनस जो है ब्राइटेस्ट स्टार भी है स्काई के अंदर, सबसे ज्यादा चमकता हुआ प्लैनेट भी है। वीनस के बाद आता है अर्थ, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ इट एग्जिस्ट, जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। अर्थ के बाद क्या आता है, मार्स। मार्स को क्या बोलते हैं हम, रेड प्लैनेट, क्योंकि इसकी सॉइल के अंदर आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है। उसके बाद है जुपिटर, जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। जुपिटर के बाद क्या आता है, सैटर्न, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो मरकरी और वीनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, अर्थ के पास एक है, मार्स के पास दो हैं, जुपिटर के पास 80 के आसपास हैं, लेकिन अभी उस पर कुछ कंफर्म है, कुछ जो है वो कैसी हैं, 57 तकरीबन कंफर्म है जुपिटर के पास, वो नंबर आप देख लीजिएगा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज फॉर, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज किस लिए होता है, वेदर फॉरकास्टिंग, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग, इन सब में हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज करते हैं। मून पर लैंडिंग किसकी थी सबसे पहले, नील आर्मस्ट्रांग की। नेक्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर है हमारा एयर पॉल्यूशन।
पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग रखा था। एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिन। इसमें हमें दो पॉल्यूशन पढ़ने हैं, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। एयर पॉल्यूशन का मतलब है कंटेमिनेशन ऑफ एयर बाय इंप्यूरिटीज विच में हैव अ हार्मफुल इंपैक्ट ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो तमाम सब्सटेंस जिनके लिविंग ऑर्गेनिज्म पर हार्मफुल इंफेक्ट है उनको हम क्या बोलते हैं, ए पॉल्यूटेंट। तो पॉल्यूटेंट्स आर द सब्सटेंसेस विच कंटेमिनेट द एयर एंड वाटर, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब मेजर एयर पॉल्यूटेंट हैं। लेड पार्टिकल भी होते हैं इसके अंदर, या डस्ट पार्टिकल, ये सब क्या है, मेजर एयर पॉल्यूटेंट जो एयर को पॉल्यूट करते हैं। इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जैसे CO2, मीथेन, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस हैं। तो ग्रीन हाउस गैस का अगर लेवल इंक्रीज हो जाए तो क्या हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन क्या है, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बाय द सब्सटेंस हार्मफुल टू लाइफ। वाटर के अंदर वो तमाम सब्सटेंस ऐड कर देना जो हमारी जिंदगी के लिए हार्मफुल है, उसको बोलते हैं पॉल्यूशन ऑफ वाटर, पॉल्यूशन। अच्छा बस इतना ही, चलिए तो पॉल्यूशन ऑफ वाटर में क्या है, एक तो डोमेस्टिक वेस्ट है जो हमारे घरों से, किचन से, बाथरूम से, टॉयलेट से गंदा पानी निकलता है वो, दूसरा फैक्ट्रीज के जरिए वो पानी निकलता है, लेदर फैक्ट्री, पेंट, पेपर, शुगर मिल्क, या और जो केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं इनसे जो केमिकल्स निकलते हैं जो वाटर बॉडी में आते हैं वो भी वाटर बॉडीज को गंदा कर देते हैं। इसके एयर पॉल्यूशन जो है मेनली वो हमारे कहाँ से निकलते हैं, ऑटोमोबाइल से। सबसे बड़ा जो कॉज है एयर पॉल्यूशन का वो ऑटोमोबाइल्स है। ठीक है, इसके अलावा स्टोन क्रशिंग फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर स्टोन को पीसा जाता है, उससे बहुत ज़्यादा धूल निकलती है, डस्ट पार्टिकल जाते हैं। तो डस्ट पार्टिकल और कार्बन पार्टिकल इस सबकी वजह से क्या होता है, हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। और वाटर पॉल्यूशन की वजह से एक तो वाटर को बहुत ज़्यादा, वाटर जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है उसे बहुत ज़्यादा होता है नुकसान। वाटर पॉल्यूशन का मेजर कॉज है ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल यानी कि जो पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, वो या तो कंटेनर शिप्स के जरिए होता है या पाइपलाइन के जरिए। शिप कभी डैमेज हो जाए तो समंदर में क्या होता है, पेट्रोलियम लीक हो जाता है, उसके लीक होने की वजह से ऑयल स्लिक, ऑयल की एक पतली सी लेयर जो है वो बन जाती है वाटर के ऊपर, जो क्या करती है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन को डिजॉल्व होने से रोक देती है, जिसकी वजह से वाटर के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और प्लांट, एक्वेटिक एनिमल और एक्वेटिक प्लांट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसकी एक वजह और है इसकी, एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम क्या है, जब न्यूट्रिफिकेशन ज़्यादा हो जाए, जब मान लीजिए हम ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करें, फर्टिलाइजर पानी में जाते हैं तो पानी के अंदर न्यूट्रिएंट बढ़ जाते हैं, तो एल्गी जो है हमारी, वो एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम कहते हैं, वो न्यूट्रिएंट लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पूरे पानी के ऊपर हमें काई जमी हुई नजर आती है, जिसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम की वजह से यूट्रोफिकेशन होता है। यूट्रोफिकेशन का मतलब है वाटर ऑक्सीजन लेवल का कम हो जाना, क्योंकि एल्गी जो है वो ज़्यादातर पानी को एब्जॉर्ब, ऑक्सीजन को यूज़ कर लेती है, प्लांट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम। तो ये हमारे तकरीबन 18 चैप्टर हैं जो हमने थोड़े से टाइम में इसका ओवरव्यू लिया है, मेन पॉइंट्स हमने तकरीबन पूरे कवर करा दिए हैं, एनसीईआरटी तकरीबन इसके अंदर कवर हो गई है बेटा, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बाकी हैं, वरना ज़्यादातर एनसीईआरटी हमने कवर कर लिया। अगर कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, जो चीज़ समझ में ना आई हो। क्वेश्चन, ओके, थैंक यू बेटा आतिफ एहसान, जियोन कुकी, करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाई, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है, न्यूट्रॉन कभी फ्लो नहीं करता। ठीक है ना, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, उस रिवॉल्व, जब रिवॉल्वमेंट होता है तो कोई भी एटम जब हीट गेन करता है तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, प्रोटॉन बढ़ जाते हैं,
प्रोटॉन बढ़ने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, उसी से आयंस बनते हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा, उम्मीद है कि जेएमआई में इसमें से काफी कुछ आ जाए, क्योंकि तकरीबन मेजर पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। पॉप साउंड बता दीजिए। यस, देखिए पॉप साउंड एक्चुअल में हाइड्रोजन का टेस्ट है। हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है? जब हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन गैस निकलने में क्या होता है कि हम एक जलती हुई तीली टेस्ट ट्यूब के पास ले जाए, अगर टेस्ट ट्यूब पॉप साउंड के साथ जलती है, दैट मीन्स दिस इज द टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो हाइड्रोजन का टेस्ट होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स के जरिए आयंस बनते हैं बेटा। गोल्ड ज्वेलरी, हाँ गोल्ड ज्वेलरी जो होती है वो एलॉय होती है गोल्ड एंड कॉपर का, क्योंकि गोल्ड सॉफ्ट मेटल है, हार्ड नहीं है, जिसकी वजह से उसको उसके जो हम ज्वेलरी नहीं बना पाते तो इसके अंदर एलॉय बना देते हैं कॉपर के साथ मिलाकर। व्हाट इज कैटीन, क्या पूछ रहे बेटा? कैसीन होता है जो गोल्ड के उसके मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है कैसीन, जिससे कर्ड बनता है। हाँ गोल्ड ज्वेलरी एलॉय है, जो ज्वेलरी बनती है वो कभी भी प्योर गोल्ड की नहीं बनती। प्योर गोल्ड 24 कैरेट होता है, ठीक है ना, प्योर गोल्ड 24 कैरेट की कभी भी ज्वेलरी नहीं बनती है। ज्वेलरी हमेशा 22 या 23 कैरेट की बनती है बेटा। फास्ट एंड फ्यूरियस से पिछले साल बेटा तकरीबन 17 क्वेश्चन आए थे, 17 क्वेश्चन फास्ट एंड फ्यूरियस से। हार्ड मेटल आयरन है बेटा। बेटा कैटाइन लिख रहे हैं आप, अच्छा कैटाइन की CATION होता है कैटाइन, पॉजिटिवली चार्ज आयन को कैटाइन बोलते हैं, कैटाइन पॉजिटिवली चार्ज आयन। फास्ट एंड फ्यूरियस से लास्ट ईयर बेटा तकरीबन 17 क्वेश्चन आए थे बेटा। पॉजिटिव चार्ज आयन को कैटाइन बोलते हैं, ग्लोबल प्लाजा 99। कैटाइन इज अ पॉजिटिवली चार्ज आयन, यस वेरी गुड। बेटा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा वो उसने लिए हैं इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसी से चार्ज से ही पता चलता है। कट ऑफ बेटा 90 से ऊपर जाएगा, जामिया का कट ऑफ हाई जाता है क्योंकि पेपर आसान होता है। CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट, CFL आतिफ एहसान, CFL कॉन्टैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट होता है बेटा, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट। कट ऑफ बेटा 90 से ऊपर ही जाएगा। मायोपिया को बेटा कॉनकेव लेंस के जरिए करेक्ट करते हैं, कॉनकेव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया को कॉन्वेक्स लेंस है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है बेटा। KYM से भी बहुत सारा पार्ट आता है बेटा। मायोपिया में, हाँ बेटा मायोपिया में दूर का नहीं दिखता, करीब का साफ दिखता है। पोटेशियम सॉफ्ट मेटल है। इलेक्ट्रोलिसिस, जब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मेटल जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट जाए। ओके, पेपर बेटा कल डिस्कस करेंगे, जो फुल टेस्ट 2 हुआ है वो कल डिस्कस करेंगे, फुल टेस्ट 3 सॉरी। फ्लोरा प्लांट्स को कहते हैं, फौना एनिमल्स को कहते हैं बेटा।
अब क्वेश्चन बेटा आपके रिपीट हो रहे हैं, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट सिल्वर है। ओके चलिए क्लास को बस यहीं ख़त्म करते हैं, इसको टाइम भी काफ़ी हो गया। ओके बेटा अल्लाह हाफिज़, एक मिनट, अल्लाह हाफिज़ बेटा।